हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिग्राफी के ऊपर डिस्कस किया था, मीन्स हमने देखा था स्टार्टिग्राफी क्या है, स्टार्टिग्राफी के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स थे वो भी हमने देखा था। तो आज हम डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमारा 12th का सिलेबस में कुछ चुनिंदे ही सुपर ग्रुप से, लाइक हमारे पास कुडप्पा सुपर ग्रुप, विंध्यन सुपर ग्रुप, अगेन हमारे पास ओडिशा एंड झारखंड का जो प्रोविनेंस है उसके ऊपर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले अब मोस्ट चीज़ यहाँ पर होता क्या है ना, कुडप्पा सुपर ग्रुप तो जैसे ही हमने देख लिया, तो यहाँ पर क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो डायरेक्टली आते हैं सेशन पे। अब सेशन क्या है मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। यहाँ मैं जो चीज़ होता है स्टूडेंट के साथ वही चीज़ बता रहा हूँ। डायरेक्टली वो आते हैं सेशन के ऊपर, सेशन में देखते हैं मेरे पास चार क्या है ग्रुप है, लाइक हमारे पास कृष्णा, नलामलाई, चेयर एंड पापाग्नी ग्रुप है। अब ये सब क्या है वन बाई वन मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वही चीज़ आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, ताकि आप वो गलती ना करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास चार ग्रुप है, ग्रुप को याद कर लेते हैं, सजेशन को याद कर लेते हैं और बोलते हैं हमारा कुडप्पा सुपर ग्रुप हो गया। बट वो तो याद कर लिए, बट कुछ दिन के बाद, लाइक वन वीक टू वीक के बाद वो फिर से भूल जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा कितना आप याद कीजिएगा, लाइक अभी कुडप्पा सुपर ग्रुप का बात चल रहा है तो आपने कुडप्पा याद कर लिया, फिर अगेन हम डिस्कस करेंगे विंध्यन, आपने विंध्यन याद कर लिया, फिर अगेन हम डिस्कस करेंगे ओडिशा एंड झारखंड का प्रोविनेंस, वो भी आपने रट लिया, ठीक है। मान लीजिए आपने रट भी लिया, याद भी रख लिया, एग्जाम तक आपने याद कर रख के लिख भी लिया, ठीक है, बट उसके बाद आप भूल जाओगे। बट जब फ्यूचर में आप जियोलॉजी लेके कहीं पर भी पढ़ोगे या फिर जियोलॉजी रिलेटेड कुछ जियोलॉजी के फील्ड में आप वर्क करोगे, तो वहाँ पर ये फिर आपका याद रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, पहले ये चीज़ को समझना, ये हो क्या रहा है, समझने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। यहाँ पर रटना नहीं है, रटने से होता क्या है, अब 12th करियर बेस में आप यहाँ पर रट सकते हो, बट जब बात करते हैं बीएससी का या फिर जो भी कोई भी एंट्रेंस आप दीजिएगा स्टार्टिग्राफी का, जहाँ पर चैप्टर रहता है, और कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जियोलॉजी का जहाँ पर आपको स्टार्टिग्राफी और मिनरलॉजी का काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब स्पेशली बात करूंगा स्टार्टिग्राफी का, तो स्टार्टिग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिग्राफी से। अब यहाँ पर तो 12th का सिलेबस में हमारे पास तीन ही सुपर ग्रुप है, ठीक है, बट जब बात करते हैं बीएससी के बेस पे या फिर कोई भी मतलब एमएससी लेवल का एंट्रेंस पे गेट हो, ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है बहुत सारे मतलब सुपर ग्रुप रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, तो बहुत सारे ही रहते हैं या एक दो तीन मतलब नंबर में रहते, मोर देन 30-35 रहते हैं, ठीक है, हमारे पास सुपर ग्रुप। अब कितने को आप याद रखोगे, ठीक है, अब वो चीज़ याद नहीं रहता, क्योंकि अब 30-35 सुपर ग्रुप याद रखना इजी बात नहीं है, और कोई को याद भी नहीं रहेगा, दो दिन के लिए याद रह सकता है बट उसका तो भूल जाओगे वो। तो उससे फायदा क्या हुआ, आपको क्या लगेगा कि ये चीज़ बहुत बोरिंग है। स्टार्टिग्राफी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बोरिंग भी इसीलिए लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आते हैं सेशन को, उन्होंने क्या देखा सिलेबस में, हाँ हमारे पास कुडप्पा सुपर ग्रुप है, कुडप्पा सुपर ग्रुप उन्होंने खोला और वहाँ पर उन्होंने सेशन रट लिया। सेशन रट लेने के बाद क्या होता है ना, अब कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं या फिर बोरिंग लगता है। बोरिंग क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिग्राफी को समझा ही नहीं, स्टार्टिग्राफी को इंटरेस्टिंग के साथ मतलब पढ़ा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ रट लिया और एग्जाम के बेस पे उन्होंने मतलब प्रिपरेशन कर लिया। बट कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं या फिर एग्जाम से पहले ही भूल जाते हैं, फिर उनको स्टार्टिग्राफी बोर लगने लगता है टाइम के साथ, और बोर लगने लगता है इसीलिए वो स्टार्टिग्राफी को लास्ट में स्किप भी कर देते हैं, वो सोचते हैं अब स्टार्टिग्राफी को छोड़ो, उसके और में जो क्वेश्चन आएगा उसको हम अटेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना, इसीलिए मैं आपको बताया कि ये गलती आपको नहीं करना। यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले कुडप्पा सुपर ग्रुप है क्या, ठीक है, स्टार्टिग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस टाइप के इकोनॉमिक मिनरल मिलने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, यही सब चीज़ पहले आपको समझना है। और स्टार्टिग्राफी का आपको पहले एक बार समझना है, आप एक बार समझ के देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बट अगर रटिएगा तो बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, कुडप्पा सुपर ग्रुप है क्या। तो यहाँ पर बात हो रहा है कुडप्पा सुपर ग्रुप का, तो कुडप्पा ये जो एक रीजन है, मतलब ये अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश का एक रीजन है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कुडप्पा आंध्र प्रदेश का ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये कुडप्पा सुपर ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, कुडप्पा सुपर ग्रुप में देखते हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिग्राफी का, तो इससे पहले हमने कुछ स्टार्टिग्राफी का प्रिंसिपल देखा था, ठीक है। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब हम डिस्कस करेंगे सेशन के ऊपर, तो वहाँ पर उसका कुछ प्रिंसिपल मतलब आपका यूज में आएगा, वहाँ पर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, तो वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है या फिर क्या क्या स्टार्टिग्राफी के प्रिंसिपल है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आपने अगर अभी तक स्टार्टिग्राफी के प्रिंसिपल को नहीं समझे या फिर लॉज को नहीं समझे, तो प्लीज़ चैनल में अवेलेबल है लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टिग्राफी करके एक वीडियो, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये जो सुपर ग्रुप सब पढ़ने में इजी हो। अगर आप वो समझते नहीं, यहाँ पर आके आप रट लेते तो ऑब्वियसली आपको बोर लगने वाला है या फिर बोरिंग लगने वाला है ये टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, द कुडप्पा सुपर ग्रुप हैज बीन नेम्ड फ्रॉम द कुडप्पा बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर इट इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है बेसिन का, मीन्स यहाँ पर जो हम कुडप्पा सुपर ग्रुप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिन में जो जो रॉक डिपॉजिट हुए, ठीक है, सपोज कोई भी हमारे पास बेसिन है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या रॉक डिपॉजिट हो रहे हैं टाइम के साथ, ऑब्वियसली सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, सेडिमेंटेशन होने की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ रॉक डिपॉजिट होंगे। अब आप सभी को पता है हम स्टार्टिग्राफी पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि रॉक स्ट्राटा का डिस्क्रिप्शन के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्टिग्राफी का मीनिंग ये
कि स्टार्टअप का डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्टअप मीन्स जिसका थिकनेस मोर देन 1 सेंटीमीटर रहता है, उसी का हम डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ते हैं और उसी को ही हम एक टॉपिक के मतलब एक चैप्टर के अंदर या फिर एक पेपर के अंदर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्टिग्राफी। ठीक है, तो स्टार्टिग्राफी का मीनिंग ही यही है कि स्टार्टअप का हमें डिस्क्रिप्शन करना है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप। अब कुडप्पा सुपर ग्रुप जब बोलते हैं, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स आते हैं इसके अंदर। जैसे हमने स्टार्टिग्राफिक यूनिट के अंदर देखा था, हमारे पास था लिथो स्टार्टिग्राफिक यूनिट, वहाँ पर कुछ बेड्स या फिर जो अब बात करते हो अगर सेडिमेंट्री का, तो वहाँ पर कुछ बेड्स रहते हैं, या फिर अगर बात करते हो इग्नियस का, तो वहाँ पर कुछ फ्लो रहते हैं। कुछ फ्लो मिलके एक मेंबर बनाते हैं, उसी तरह कुछ मेंबर मिलके एक फॉर्मेशन बनाते हैं, उसी तरह कुछ फॉर्मेशन मिलके एक ग्रुप बनाता है, कुछ ग्रुप मिलके एक सुपर ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये तो था बेसिक सच जो कि हमने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिग्राफिक यूनिट के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होने वाला, तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, टाइम के साथ यहाँ पर सेडिमेंट्री मतलब रॉक्स आके या फिर सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं और उसी की वही टाइम के साथ कॉम्पैक्शन होकर लिथिफिकेशन होकर रॉक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उसी यही चीज़ को हम देखेंगे कि कुडप्पा बेसिन में पर्टिकुलरली कौन कौन सा रॉक मतलब बना और मतलब उसका टाइम रेंज क्या था। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे इन कुडप्पा सुपर ग्रुप, क्योंकि ये टॉपिक का नाम ही है कुडप्पा सुपर ग्रुप और स्टार्टिग्राफी के अंदर हम रॉक बेड को ही एक्सप्लेन करेंगे या फिर रॉक बेड को ही डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो द कुडप्पा सुपर ग्रुप हैज बीन नेम्ड फ्रॉम द कुडप्पा बेसिन। अब इसका नेम कुडप्पा सुपर ग्रुप क्यों दिया गया, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कुडप्पा बेसिन का। ठीक है, अब इसका ये तो एक बेसिन है, बट इसका नेम कुडप्पा क्यों दिया गया, क्योंकि ये कुडप्पा एक एरिया है आंध्र प्रदेश में, वहां पर ये बेसिन आपको देखने को मिला, इसीलिए इसका नेमिंग कर दिया गया कुडप्पा बेसिन। ओके, मोस्ट ऑफ द जियोलॉजी में जो भी नेमिंग हुए हैं इसी तरह हुआ है, या फिर जिन्होंने जिसने फाइंड आउट किया जिस साइंटिस्ट ने उनके अकॉर्डिंग उसका नाम नेमिंग हुआ है, या फिर जिस रीजन में मिला उसके अकॉर्डिंग नेमिंग हुआ है। तो यहाँ पर नेमिंग किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये कुडप्पा रीजन में एक बेसिन मिला, कुडप्पा रीजन में मिलने की वजह से इसका नेमिंग कर दिया गया कुडप्पा बेसिन। ठीक है, अब ये बेसिन के अंदर जो जो रॉक देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इन कुडप्पा सुपर ग्रुप। तो यहाँ तक क्लियर है, और ये जो कुडप्पा रीजन है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में, वेयर इट इज वेल डेवलप एंड बेस्ट डेवलप। ठीक है, यहाँ पर वेल डेवलप भी बोला जा रहा है, बेस्ट डेवलप भी बोला जा रहा है, मीन्स अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप, तो कुडप्पा बेसिन के आसपास में भी छोटे मोटे कुछ मतलब डिपोजिशन हुए होंगे, तो बट जो मेजर डिपोजिशन या फिर मेजर जो एक्सपोज देखने को मिला रॉक बेड का, तो वो कुडप्पा मतलब बेसिन में ही देखने को मिला, इसीलिए इसका नेम भी दिया गया कुडप्पा सुपर ग्रुप। ठीक है, अगर यहाँ पर और कोई रीजन रहता लाइक अभी हमारे पास नाला मलाई कृष्णा चेयर, तो इन समय भी अगर वेल डेवलप रहता तो इसके अकॉर्डिंग नेम भी दिया जा सकता था, बट वेल डेवलप यहाँ पर मतलब अच्छे से डेवलप जो रॉक को हम स्टडी करते हैं, अच्छे से स्टडी हम इसी बेसिन में कर पाते हैं, इसीलिए इसका नेमिंग दिया गया कुडप्पा सुपर ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी जो रॉक डिपॉजिट हुआ ये कब हुआ, तो ये रॉक डिपॉजिट जो हुआ प्रोटेरोजोइक एज में हुआ। ठीक है, प्रोटेरोजोइक का मीनिंग क्या है, आप सभी को पता है टाइम स्केल, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, टाइम स्केल में हमारे पास जो प्री कैम्ब्रियन मतलब यौन है उसके अंदर हमारे पास कुछ एरा था। ठीक है, हेडेन आर्कियन प्रोटेरोजोइक, तो प्रोटेरोजोइक एरा का अगर मैं एज का बात करूँ तो नियर अबाउट आप बोल सकते हो, जब हम बात करते हैं हेडन का, तो हेडन कितना रहता है 4.6 से 4.0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि आर्कियन। ठीक है, आर्कियन कितना रहता है 4.6 से, यहाँ पर रहता है 4.0, 4.6 से यहाँ पर रहता है 2500। ठीक है, उसके बाद आता है आप जब बात करते हो प्रोटेरोजोइक का, प्रोटेरोजोइक का रहता है 2500 से यहाँ पर रहता है 541 मिलियन, नियर अबाउट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इसका अगर आप एज देखते हो प्रोटेरोजोइक एज का, आपने स्टार्टिग्राफी में आपने देखा होगा टाइम स्केल में हमने डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था प्रोटेरोजोइक एज के बारे में, तो वहां पर उसका जो एज रेंज रहता है वो रहता है कितना 2.5, या आप बोल सकते हो 2.5 बिलियन ईयर या फिर 2500 मिलियन ईयर यहां पर मैं बोलता हूं। ठीक है, इससे कितना रेंज रहता है मिलियन ईयर से, ये 541 मिलियन ईयर में ये वेरी करता है। ठीक है, बट जब आप ओल्ड बुक देखोगे वहाँ पर आपको 541 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको कुछ दूसरा ही एज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं 541 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिसेंटली अगर देखते हो मतलब अपडेटेड स्टार मतलब जो हमारे पास टाइम स्केल है वो 2020 मार्च में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 2020 मार्च में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये जो अपडेटेड वर्जन है मोस्ट एक्सेप्टेबल अभी यही है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखते हो तो ये एज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रहा है प्रोटेरोजोइक का, या फिर इसी को ही बोला जाता है पुराना बेसिन। तो कुडप्पा यहाँ से पता क्या चला, कुडप्पा जो सुपर ग्रुप है उसका एज क्या है, प्रोटेरोजोइक एज बोल सकते हो या फिर पुराना बेसिन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको प्रोटेरोजोइक एज क्यों मतलब प्रोटेरोजोइक क्यों बोला जा रहा है, प्रोटेरो मीन्स प्रिमिटिव, ठीक है, और जोइक मीन्स लाइफ। ठीक है, प्रोटेरोजोइक मीन्स प्रिमिटिव लाइफ यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था, मीन्स इस जो इस टाइम में क्या हो रहा था मतलब सेडिमेंटेशन होकर मतलब आपको सेडिमेंटरी रॉक बनते हुए देखने को मिल रहा था। ये जो एक टाइम था स्टार्टिग्राफी का हमने देखा था, एक ये जो एक हमारा क्या है एरा है। ठीक है, प्रोटेरोजोइक जो है एक एरा है जो कि प्री कैम्ब्रियन यौन के अंदर आता है, तो इस टाइम में क्या हो रहा था, जो मतलब इग्नियस रॉक बन चुके थे उनका सेडिमेंटेशन हो रहा था, उनका वेदरिंग और इरोजन हो रहा था, उसके वजह से आपको रॉक देखने को मिल रहे थे। मींस ये जो 2500 से 4541 जो मिलियन ईयर के अंदर यही प्रोसेस देखने को मिला था, इसी टाइम में आपको रॉक बेड्स सेडिमेंट्री के रॉक बेड्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, टू मतलब यहाँ पर 2500 से पहले यहाँ पर कोई भी सेडिमेंट्री रॉक नहीं बना था, बट जब यहाँ पर आ रहा सेडिमेंट्री रॉक बनने का मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर प्रेजेंस होगा, तभी तो यहाँ पर
मतलब सीमेंटिंग मटेरियल होल्ड करके रखेगा डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को, ठीक है। अब सेडिमेंटरी रॉक कैसे बनता है, वो हमने सेडिमेंटरी जो हमने देखा था, सेडिमेंट का जो टॉपिक्स हमने लिया था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक या फिर टेक्सचर, उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आके डिपॉजिट हो रहा है रॉक बेड्स, किसका रॉक बेड्स, सेडिमेंटरी रॉक बेड। सेडिमेंटरी रॉक बेड कब बनेगा, जब यहाँ पर सेडिमेंट्स आएंगे, सेडिमेंट्स यहाँ पर आ रहे डिपॉजिट हो रहे, तो वो टाइम क्या था, प्रोटेरोजोइक था, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीमिटिव लाइफ भी आपको देखने को मिल रहे थे, मीन्स यूनिसेल्युलर लाइफ भी देखने को मिल रहे थे, अगर आप टाइम स्केल को अच्छे से देखते हो, ठीक है। और इसी को डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के द्वारा बोला गया है पुराना बेसिन, ठीक है। इसका एज अगर पूछते हैं, पुराना बेसिन भी आप बोल सकते हो या फिर प्रोटेरोजोइक एज भी बोल सकते हो, इसको इसी कुडप्पा सुपर ग्रुप को पुराना बेसिन भी बोला जा रहा है ड्यू टू इट्स एज, ओके। तो ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन, मीन्स इसका नोमेनक्लेचर कहाँ से आया, इसका एज रेंज क्या था, ठीक है, यही चीज सब अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट पे। बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ कुडप्पा सुपर ग्रुप, कुडप्पा सुपर ग्रुप अभी तब स्टार्ट होगा जब हम स्पेशली आएंगे सक्सेशन के ऊपर। तो अभी कुडप्पा सुपर ग्रुप के अंदर हमने सिर्फ देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, मीन्स उसका नेम कहाँ से आया, नोमेनक्लेचर क्यों किया गया कुडप्पा सुपर ग्रुप। नोमेनक्लेचर इसलिए किया गया क्योंकि ये कुडप्पा बेसिन के अंदर आपको देखने को मिला, ठीक है। कुडप्पा बेसिन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर कि ये रॉक्स जो मतलब आर्कियन तो नहीं, प्रोटेरोजोइक एज के जो रॉक थे वेल डेवलप थे, दैट्स व्हाई इसको नेम भी किया गया पुराना बेसिन, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है, अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। मीन्स कुडप्पा जो बेसिन है या फिर कुडप्पा सुपर ग्रुप हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुडप्पा बेसिन में डिपॉजिट हो रहा है, मीन्स कुडप्पा बेसिन में जो रॉक बन रहे हैं या फिर कुडप्पा जो बेसिन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वही चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मीन्स यहाँ पर कोई भी दूसरा चीज़ हम मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम स्पेशली यहाँ पर डिस्कस कर रही है जो बेसिन है कुडप्पा बेसिन या फिर जो बेसिन के अंदर रॉक्स है उनका स्ट्रक्चर किस टाइप में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द रॉक्स व्हिच लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कुडप्पा बेसिन, मीन्स कुडप्पा बेसिन ऑब्वियसली यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब कुछ आने वाला है, मीन्स ईस्ट डायरेक्शन को हम पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ, इसको हम क्या बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं ईस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा पहले से। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है इसका स्ट्रक्चर के बारे में, मीन्स इसका हम जो बोल रहे हैं जियोग्राफिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, मीन्स जियोग्राफिकल ये किस पोजीशन में है, किस तरह ये मतलब नेचर में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। तो द रॉक बेड व्हिच लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कुडप्पा बेसिन, मीन्स जो भी रॉक बेड वेस्टर्न मार्जिन के तरफ, ठीक है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ठीक है, जो वेस्टर्न मार्जिन के तरफ है जो भी रॉक बेड्स कुडप्पा बेसिन के अंदर आर अनडिस्टर्ब, ठीक है, मीन्स यहाँ पर कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं है, मीन्स ये पूरा स्टेबल टाइप में है, ठीक है। यहाँ पर जो भी रॉक बेड्स देखने को मिलेंगे वो पूरा ही स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर बट अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ सेंटेंस, ठीक है, अब मेन जो चीज़ यहाँ पर आने वाला वो है, बट दोज आर सिचुएटेड नियर द ईस्टर्न मार्जिन, ये देखिए ईस्टर्न मार्जिन में जो भी है हैव बीन हाईली फोल्डेड, मीन्स यहाँ पर हमने बोला वेस्टर्न मार्जिन में कुडप्पा बेसिन में जो भी रॉक बेड्स है या फिर जो भी रॉक डिपॉजिट हुए हैं वो मतलब अनडिस्टर्ब है, मीन्स यहाँ पर कोई भी आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी यहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा टेक्टोनिकली। बट इन केस ऑफ ईस्टर्न मार्जिन वेन आप आओगे ईस्टर्न फ्लैंक पे, ठीक है, कुडप्पा बेसिन किस तरह रहता है, इस तरह रहता है, उसका शेप जो रहता है मतलब क्रिसेंटिक शेप अभी हम आगे डिस्कस करने वाले, तो कुडप्पा जो मतलब बेसिन रहता है उसका शेप रहता है क्रिसेंटिक, ठीक है। बट जब हम आएंगे ईस्टर्न फ्लैंक की तरफ मीन्स ईस्टर्न पार्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपको मतलब हाईली ये जो मतलब फोल्डेड देखने को मिला, मीन्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये अगर हाईली फोल्डेड है तो यहाँ पर टेक्टोनिकली ये एक्टिव है। बट इन केस ऑफ वेस्टर्न मार्जिन इट इज मतलब टोटली ऑन डिस्टर्ब, मीन्स इट इज टेक्टोनिकली नॉट एक्टिव, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये अभी हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मीन्स अभी तक हमने कुडप्पा सुपर ग्रुप स्टार्ट नहीं किया, उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि कुडप्पा सुपर ग्रुप को हमने मतलब अभी इसका डायरेक्शन वाइज हमने इसका लैटिट्यूड वाइज इसका रॉक को प्रॉपर्टी को स्टडी करने को ट्राई किया, मीन्स जो भी रॉक बेड वेस्टर्न साइड में है वो अनडिस्टर्ब है, मीन्स यहाँ पर टेक्टोनिकली कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। बट इन केस ऑफ ईस्टर्न साइड, तो ईस्टर्न साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको मतलब फोल्डेड रीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाईली फोल्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ भी, ठीक है। और स्पेशली जब बात करता हूँ कुडप्पा मतलब जो बेसिन है वो कितना मतलब एरिया में एक्सटेंड है, ये देखिए 3500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 3500 स्क्वायर किलोमीटर में ये एक्सटेंड है, ठीक है। अब यही सब चीज़ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछने वाला है, अब यहाँ क्या क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टाइम के साथ। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, तो हमने देखा उसका नोमेनक्लेचर कहाँ से आया, नोमेनक्लेचर इसका आया, यहाँ पर आपको रटना नहीं है, बस चीज़ें को समझना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह लिखना है, वो सब चीज़ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, पहले मैं आपको समझा लेता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद आपको लास्ट में मैं सब कुछ वन बाय वन डिटेल में बताऊंगा किस तरह लिखना है, क्या क्या लिखना है, पिन पॉइंट क्या क्या रहेगा, सब कुछ मैं आपको बता के देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने आया, अभी हमने देखा कि इसका जो एक्सटेंशन रहता है 3500 किलोमीटर मतलब स्क्वायर किलोमीटर मीटर में एक्सटेंड रहता है कुडप्पा रॉक, ठीक है, कुडप्पा का जो रॉक है बेसिन के अंदर वो इतना ही दूर में एक्सटेंड है, ठीक है, नियर अबाउट हम बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा वेरी करने वाला है, ठीक है, क्योंकि नेचर है।
उसका देखते हैं इसका जो शेप रहता है कुडप्पा सुपर ग्रुप का किस टाइप में रहता है। तो अभी मैंने बोला क्रिसेंटिक शेप रहता है, तो देखते हैं द शेप ऑफ द बेसिन इज क्रिसेंटिक, मीन्स ये जो बेसिन का शेप रहेगा क्रिसेंटिक शेप रहेगा। मीन्स अभी क्रिसेंटिक आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, क्रिसेंटिक शेप जो हम बोलते हैं, अगर आपने मून को कभी देखा होगा, जब मून मतलब जो डार्क होते जाता है साइड वाइज, तो लास्ट में आपको इस टाइप का एक शेप देखने को मिलता है मून में, ठीक है। मतलब मून जो रहता है इस टाइप में आपको देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं क्रिसेंट शेप। तो यहाँ पर जो कुडप्पा बेसिन भी है उसका शेप भी कहीं ना कहीं क्रिसेंट शेप है, ठीक है। और क्रिसेंट शेप तो हमने बोल दिया, बट यहाँ पर एक साइड आता है कॉनकेव, एक साइड आता है कॉनवेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर द कॉनकेव साइड इज टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। जो कॉनकेव साइड है ये ईस्ट के तरफ है, मीन्स अगर हम क्रिसेंट बोलते तो इस तरह भी कोई भी ड्रॉ कर सकता है। अगर किसी को हम बोले क्रिसेंट शेप ड्रॉ करो, कोई इस तरह भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इस तरह भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इस तरह भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इस तरह भी ड्रॉ कर सकता है। मीन्स ड्रॉ करने का वे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किस तरह मैं बताता हूँ आपको। मीन्स अभी अगर मैं आपको बोलूँगा रेंडमली आप मतलब क्रिसेंट शेप एक बनाओ आप, ठीक है, कोई इस तरह बनाएगा, ठीक है, कोई इस तरह बनाने को ट्राई करेगा, कोई इस तरह बनाने को ट्राई करेगा, कोई इस तरह बनाने को ट्राई करेगा, ओके। बट यहाँ पर आपको इसीलिए यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया कि क्रिसेंटिक शेप तो है, बट कॉनकेव जो साइड है, मीन्स कॉनकेव साइड हम किसको बोलते हैं, ये साइड को कॉनकेव बोलते हैं, इस साइड को कॉनकेव, इस साइड को कॉनकेव, इस साइड को कॉनकेव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स, दिस इज अगेन कॉनवेक्स, ये भी कॉनवेक्स है, ठीक है। तो जो कॉनकेव साइड रहेगा ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट किधर मतलब रहता है आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो कॉनकेव शेप रहेगा ईस्ट की तरफ रहेगा, इन चारों स्ट्रक्चर में कौन सा ईस्ट की तरफ है, कॉनकेव से भी है, देखिए ये जो है ईस्ट की तरफ है। तो हाँ, जो कुडप्पा हम बात करते हैं बेसिन का या फिर उसका शेप का, तो वो इस तरह कुछ इस तरह रहता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ इस तरह ये रहता है, ठीक है। ये देखिए कॉनकेव साइड आपका ईस्टर्न पार्ट पे, ये है वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, और ये आपका नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा से कहीं ना कहीं मतलब डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, मीन्स बट मेजरली जो ये है, ये जो मतलब ऑब्वियसली इसीलिए तो हमने बोला कुडप्पा सुपर ग्रुप, क्योंकि जो कुडप्पा सुपर ग्रुप है कुडप्पा बेसिन के अंदर ही वेल एक्सपोज है। अच्छे से अगर स्टडी करना है तो कुडप्पा बेसिन के अंदर ही स्टडी कर पाते हो, इसीलिए इसका नेमिंग भी दिया गया कुडप्पा सुपर ग्रुप। तो ये ही मतलब उसका शेप जो रहता है नियर अबाउट हम बोल सकते हैं, मतलब फुली तो क्रिसेंट शेप नहीं दिख रहा है, बट नियर अबाउट हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज ए क्रिसेंटिक शेप, ठीक है, क्रिसेंटिक शेप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑथर ने भी यही शेप से उसको मतलब एक्सप्लेन करने को ट्राई किया, मीन्स यही शेप उसको देने को भी ट्राई किया, ठीक है। इसका जो शेप का नेमिंग मोस्ट ऑफ द ऑथर ने क्रिसेंटिक दिया, तो हम भी यहाँ पर क्रिसेंटिक ही कंसिडर करेंगे, बट अगर अच्छे से देखें तो क्रिसेंटिक आपको नहीं दिख रहा, क्रिसेंटिक कब दिखता है जब ये इस टाइप में आता, बट हाँ नियर अबाउट हम बोल सकते हैं ये क्रिसेंटिक शेप है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न साइड है ये मतलब कॉनकेव रहेगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर जितना भी चीज़ अभी हमने देखा वो ये फिगर में सब कुछ हो जा रहा है, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो आपको समझना है कि कुडप्पा नेम क्यों दिया गया, आंध्र प्रदेश का कुडप्पा रीजन में देखने को मिला, इसलिए इसका नेमिंग दिया गया कुडप्पा सुपर ग्रुप। लेकिन जब एज का बात करते तो ये प्रोटेरोजोइक एज का है, अगर टाइम स्केल आपने अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, ठीक है। अब जब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा स्ट्रक्चर का, ये जो पार्ट रहता है ये अनडिस्टर्ब रहता है, मीन्स ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखिए, ठीक है, फिगर बना के लिखिए, ताकि आपको मतलब इतना सारा चीज़ याद करने को ना पड़े, समझ लीजिएगा तो आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो मतलब आप देख रहे हो वेस्टर्न पार्ट, सॉरी, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये टेक्टोनिकली अनडिस्टर्ब है, मीन्स यहाँ पर कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी ये पार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट जब हम आते हैं ईस्टर्न पार्ट पर, इन दिस केस यहाँ बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड रीजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही है, और इसका जो एक्सटेंशन है नियर अबाउट 3500, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में इसका एक्सटेंशन है। उसका शेप आप देख रहे हैं क्रिसेंटिक शेप है, और ये चीज़ तो यहाँ पर बोला गया इसका स्ट्रक्चर में कि ये मतलब वो एक क्रिसेंटिक शेप में है, उसका मतलब एक्सटेंशन इतना मतलब किलोमीटर में है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न मारिजिन का, तो ये अनडिस्टर्ब है, ईस्टर्न मारिजिन का बात करते हो ये डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है स्ट्रक्चर के साथ। अब देखते हैं तो कुछ आगे बढ़ते हैं, मीन्स इसका लिथोलॉजी देखते हैं, स्टैटिग्राफी वन बाय वन देखने को ट्राई करेंगे। तो इसको देखते हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप का लिथोलॉजी, ओके। बात करते हैं अगर लिथोलॉजी का, तो लिथोलॉजी मीन्स आप सभी को पता है, लिथ मीन्स रॉक, लॉजी मीन्स स्टडी। तो यहाँ पर रॉक का स्टडी करेंगे, मीन्स कुडप्पा बेसिन में या फिर कुडप्पा सुपर ग्रुप में किस किस टाइप का आपको रॉक देखने को मिला उसी का स्टडी करेंगे। बट इनके सब स्ट्रक्चर हमने उसका एक्सटर्नल पार्ट को डिस्कस किया था, मीन्स किस शेप में वो रहता है ईस्टर्न पार्ट, क्या वो मतलब फोल्डिंग देखने को मिलता है ईस्टर्न पार्ट में या नहीं, वेस्टर्न पार्ट में किस तरह का वहाँ पर मतलब टेक्टोनिकली एक्टिविटी देखने को मिलता है, ये सब चीज़ हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया था। बट अब बात करते हैं जब लिथोलॉजी का, तो यहाँ पर हम रॉक टाइप्स को देखेंगे, मीन्स किस किस टाइप का रॉक देखने को मिला, इसलिए तो यहाँ पर नेमिंग किया गया लिथोलॉजी। लिथ मीन्स रॉक्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी, आप सभी को पता है रॉक का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कुडप्पा सुपर ग्रुप के अंदर या फिर कुडप्पा बेसिन के अंदर जो भी रॉक देखने को मिलेगा हम वही के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। तो द सक्सेशन ऑफ कुडप्पा ग्रुप, ठीक है, कुडप्पा ग्रुप का जो भी सक्सेशन, अब ये सक्सेशन टर्म क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले कुछ टाइम पे, ठीक है। दो मिनट के लिए इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ या फिर सस्पेंस रख रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़, ठीक है।
तो द सेसेशन, यहाँ पर देखिए द सेसेशन ऑफ कुडप्पा ग्रुप इज कम्पोज ऑफ मेनली क्वार्जाइट। तो हमने बात किया था यहाँ पर लिथोलॉजी का, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्वार्जाइट देखने को मिल रहा है, अगेन आपको देखने को मिल रहा है सेल। ओके, तो यहीं पर ये चीज क्लियर है कि आपको देखने को क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, क्वार्जाइट और सेल, और कुछ कुछ आपको स्लेट भी देखने को मिलेगा। अब स्लेट क्यों देखने को मिलेगा, जब आप बात करते हो सेल का, तो सेल ही जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो उसी से ही आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, स्लेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने बात किया था जब ईस्टर्न पार्ट का, तो वो टेक्टोनिकली मतलब डिस्टर्ब है, मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा तो मेटामॉर्फिज्म भी होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा तो स्लेट कहीं ना कहीं, सेल कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगा स्लेट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, मेन जो है ये क्वार्जाइट एंड सेल है। ठीक है, बट कहीं कहीं पर आपको माइनर अमाउंट में स्लेट भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा लिथोलॉजी, क्या क्या लिथोलॉजी आपको देखने को मिलेगा, मेन जो सेसेशन है कुडप्पा सुपर ग्रुप का, आप सेसेशन क्या है मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, वहां पर आपको क्वार्साइट सेल और स्लेट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केस भी रहते हैं। ठीक है, ओनली सब ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन प्रेजेंट इन भामपाली। ठीक है, अब भामपाली क्या है, ये एक रीजन है कुडप्पा सुपर ग्रुप में, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे सेशन के ऊपर। तो यही सब चीजें वन बाय वन, ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा टाइम के साथ, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक भामपाली एक प्लेस है जहां पर आपको, हमने अभी देखा लिथोलॉजी के अंदर क्वार्जाइट और सेल बहुत ही ज्यादा मेजर अमाउंट में मिल रहे हैं, मीन्स मोस्टली हम बोल सकते हैं क्वार्जाइट और सेल ही मिल रहे हैं, बट सब चीज में कुछ एक्सेप्शन रहता है। तो यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन है जहां पर आपको भामपाली में देखने को मिलेगा लाइमस्टोन। ओके, अब लाइमस्टोन की आप सभी को पता है CaCl3 वाला रॉक है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन के वजह से बनता है या फिर जो केमिकली ये बनता है, मैकेनिकली नहीं बनता, आप सबको पता है क्योंकि लाइमस्टोन में हमने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर एक मतलब एक्सेप्शन है कि भामपाली में आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, बट अदर जितना भी आपको मतलब जगह देखिए कुडप्पा सुपर ग्रुप के अंदर, वहाँ पर आपको ये दो टाइप के ही मेनली रॉक देखने को मिलेंगे। ठीक है, और द टोटल थिकनेस ऑफ द सेसेशन, अब ये सेसेशन क्या है मैं बताने वाला हूँ, तो जो सेसेशन रहेगा इसका थिकनेस क्या रहेगा, 6 किलोमीटर्स रहेगा। ठीक है, 6 किलोमीटर्स इसका सेसेशन रहेगा। ओके, तो ये अभी तक हम लिथोलॉजी ही देख रहे हैं, अभी हम और आगे प्रोसीड नहीं किए हैं। ठीक है, द कुडप्पा रॉक्स आर मोस्टली ऑन फॉसिलिफेरस। और एक चीज यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जब हम बात करते हैं प्रोटेरोजोइक का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारा प्रिमिटिव लाइफ आता है। स्टार्टिंग में मैं बोला था प्रोटेरोजोइक में आपका लाइफ पहली बार स्टार्ट होता है अर्थ में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, एल्गी वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो कुडप्पा सुपर ग्रुप है वहाँ पर मोस्टली अनफेसिलिफेरस है। ठीक है, वहाँ पर कहीं भी आपको फॉसिल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स कुडप्पा सुपर ग्रुप जब बन रहा था वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं था। ठीक है, ये चीज यही बता रहा है, बट यहाँ पर बोला गया मोस्टली। अब मोस्टली तो हम बोल सकते हैं 95% आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट 5% तो है वहाँ, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या है वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, स्ट्रोमाटोलाइट एक क्या है, माइक्रोफॉसिल है, वॉज फाउंड फ्रॉम भामपाली आर्कियन सीस्ट एंड नीस बेसमेंट। ठीक है, सॉरी, स्ट्रोमाटोलाइट वॉज फाउंड फ्रॉम भामपाली। ठीक है, भामपाली एक जगह जो भी हमने देखा, भामपाली मतलब एक्सेप्शन केस जहां आ रहे हैं वो चीज आपको याद रखना है, मीन्स हमने मेजरली देखा लिथोलॉजी के अंदर क्वार्जाइट और सेल ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या था, भामपाली में आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन कौन जगह भामपाली में भी। ठीक है, और एक एक्सेप्शन आ रहा है, मीन्स हमने देखा मेजरली 95% जो मतलब जो कुडप्पा ग्रुप था सुपर ग्रुप है वो लाइफ लेस है, या फिर 98% आप बोल सकते हो ये लाइफ लेस है, बट जो 2% है 2% में कहीं ना कहीं आपको स्टोमाटोलाइट का थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस देखने को मिलता है, मीन्स उसका फॉसिल देखने को मिलता है। स्टोमाटोलाइट क्या है, जब आप हायर क्लास पढ़ोगे या फिर आप अगर बेसिक के बेस में, तो आपको पता ही होगा एक माइक्रोफॉसिल है स्टोमाटोलाइट, बट जो 12 के स्टूडेंट है उन्हें पता नहीं स्टोमाटोलाइट। तो आप एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हो, इमेजेस वगैरह देख सकते हो किस तरह उसका मतलब रॉक में इंप्रेशन देखने को मिलता है, ये एक माइक्रोफॉसिल है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक जो है कुडप्पा सुपर ग्रुप, तो वीडियो को लेंदी ज्यादा ना करते हुए डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक मतलब आपको सिर्फ याद रखना है स्टोमाटोलाइट क्या है, एक माइक्रोफॉसिल है। ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर मतलब आप बोल सकते हो लाइफ जब स्टार्ट हो रहा था इस टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे थे इन प्रोटेरोजोइक एज, जो कि रेज कर रहा था 2500 मिलियन ईयर टू 541 मिलियन ईयर। ठीक है, तो वो कहाँ पर देखने को मिला था, ये भी भामपाले में, मीन्स जो भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिला, ये देखिए यहाँ पर भी भामपाले में ही एक्सेप्शन देखने को मिला लाइमस्टोन, और यहाँ पर भी हमने मेजरली तो बोला यहाँ पर आपको ऑन फॉसिली फेरस, मीन्स यहाँ पर फॉसिल कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट जो फॉसिल भी देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर मिलेगा, भामपाले में। और यहाँ तक पढ़ के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं ये ऑन मतलब ऑब्वियसली ये ऑन फॉसिली फेरस है, बट स्टूडेंट का ध्यान इसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता, और एग्जामिनर क्या करता है इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि कुडप्पा सुपर ग्रुप में आपको मतलब फॉसिल देखने को मिलेंगे, वो पूछेगा कि कुडप्पा सुपर ग्रुप में किस जगह पे, या फिर किस मतलब आप बोल सकते हो भामपाले क्या है एक फॉर्मेशन है, किस फॉर्मेशन में, आप फॉर्मेशन क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आगे वन बाय वन सब चीज़ जब हम सेशन डिस्कस करेंगे, अब सेशन क्या है वो भी आपको मैं नहीं बताया हूँ, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो भांपाले जो फॉर्मेशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टोमाटोलाइट। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ मैं हाईलाइट करके आपको दे रहा हूँ। और इसका बेसमेंट क्या है, बेसमेंट मीन्स यहाँ पर हमने देखा रॉक बेड, ठीक है, रॉक बेड तो है बट लास्ट में तो उस मतलब और कुछ रॉक बेड है, मीन्स वही जो लास्ट का जो बेड है उसके नीचे कहीं ना कहीं डिफरेंट आपको और चीज़ देखने को मिलेगा, तो इसी को हम बोलते हैं बेसमेंट। तो इसका बेसमेंट क्या है, आर्कियन सीस एंड नीस, ठीक है, इसका बेसमेंट क्या है, आर्कियन एज का है, क्या है, सीस है एंड नीस है, ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ किस तरह याद रखना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब डायरेक्टली आते हैं स्टाटिग्राफी के ऊपर कुडप्पा सुपर ग्रुप का। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, कुडप्पा सुपर ग्रुप में हमने देखा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, मीन्स नोमेनक्लेचर किस तरह हुआ वो देखा हमने, उसके बाद हमने देखा उसका स्ट्रक्चर देखा किधर कितना मतलब 3500 स्क्वायर किलोमीटर में वो एक्सटेंड है वो देखा, किस रीजन में मतलब फोल्डिंग देखने को मिल रहा है, किस पार्ट में और किस पार्ट में नहीं वो भी हमने देखा। अब बात करते हैं इसका स्टाटिग्राफी का, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है हमें पढ़ने का स्टाटिग्राफी के ऊपर, तो वहाँ पर हम देखते हैं। बट जब भी हम बात करते हैं कोई भी सुपर ग्रुप को पढ़ते हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर और लिथोलॉजी भी देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू दे देगा और स्ट्रक्चर और लिथोलॉजी एक आइडिया देता है अबाउट सेसेशन, ठीक है। तो जब बात करते हैं स्टाटिग्राफी ऑफ कुडप्पा सुपर ग्रुप, तो यहाँ पर क्या क्या है, द सेसेशन ऑफ कुडप्पा सुपर ग्रुप हैज बीन डिवाइडेड इंटू फोर ग्रुप्स, ओके, कुडप्पा सुपर ग्रुप फोर ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। द ग्रुप्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई अनकन्फर्मिटी। अब यहाँ पर हमने बोला फोर ग्रुप तो यहाँ पर है आपको कुडप्पा सुपर ग्रुप में, वो चीज़ मैं बताऊंगा किस तरह फोर ग्रुप है, और वो जो फोर ग्रुप को हमने सेपरेट किसके बेसिस पे किया, अनकन्फर्मिटी के बेसिस पे। अब अनकन्फर्मिटी क्या है आप सभी को पता ही होगा आई होप, जो एक इरोजनल सरफेस रहता है ओल्डर और यंगर रॉक बेड को सेपरेट करता है, ठीक है। अब ये जो अनकन्फर्मिटी, अगर आपका इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जो 12 स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको अनकन्फर्मिटी देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इच ग्रुप बिगिंस विद द कोर्स सेडिमेंट्स, ठीक है। और यहां पर जब हम बात करें स्टाटिग्राफी का, मींस कोई भी जो ग्रुप स्टार्ट होता है कोर्स सेडिमेंट्स से होता है एट इट्स बेस। ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या बात करें, रॉक बेड्स का, मीन्स बेसिन के अंदर रॉक बेड्स आएंगे, मीन्स सेडिमेंटरी रॉक बेड आएंगे, तो यहाँ पर बेस में क्या देखने को मिलेगा, जितना भी ग्रुप है मीन्स हमने इसको डिवाइड किया चार ग्रुप में, चार ग्रुप का जब भी आप बेस देखोगे वो कोर्सर सेडिमेंट्स से देखने को मिलेगा, और जब भी आप उसके मतलब ऊपर तरफ आओगे बेस से टॉप के पार्ट के आओगे ग्रुप का जो टॉप पार्ट पे आओगे वहाँ पर आपको फाइनर सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा और कार्बोनेट रॉक भी देखने को मिलेगा मोस्टली। आप कार्बोनेट रॉक का बात कर रहे हैं मीन्स लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहाँ देखने को मिलेगा, भांपाले में, ओके। आप अगर भांपाले रीजन में देख दो तो वहाँ पर टॉप में आपको फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको कार्बोनेट रॉक मीन्स लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, बट उसके जो बेस में क्या रहेगा वो कोर्सर सेडिमेंट्स देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। यही है इसका स्टाटिग्राफी, ओके। अब डायरेक्टली आते हैं सेसेशन के ऊपर, उस टाइम से जो चीज़ चल रहा था सेसेशन क्या है आपको अभी मैं बताने वाला हूँ, तो देखते हैं सेसेशन क्या है। तो हाँ, यही है हमारा सक्सेशन, ठीक है, जिसके ऊपर हम उस टाइम से डिस्कस करते थे। अब सक्सेशन इसको बोलने का मीनिंग क्या है, क्योंकि एक सक्सेशन में मीन्स एक सक्सेसिव वे में ये देखिए अरेंज है, ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में ये अरेंज है। ये देखिए पहले हमारे पास आ रहा कृष्णा नालामलाई, ठीक है, अगेन हमारे पास है चेयर, ठीक है, पापाग्नि, ये एक मतलब ऑर्डर में एक अरेंज है या फिर एक फ्लो में अरेंज है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सक्सेशन, मीन्स सक्सेसिवली ये एक मतलब एक मैनर में अरेंज है, दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं सक्सेशन, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं सक्सेशन को याद कर लेते हैं और बोलते हैं हमारा कुडप्पा सुपर ग्रुप हो गया, बट समझते नहीं इसीलिए उनको बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं सक्सेशन के साथ। तो सक्सेशन क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया। अब हमने उसका मतलब जब हमने देखा था स्टाटिग्राफी कुडप्पा सुपर ग्रुप का, तो वहाँ पर हमने आपको बोला था कि कुडप्पा सुपर ग्रुप को आपको देखने को मिलेगा, कुडप्पा सुपर ग्रुप जो है फोर ग्रुप्स में डिवाइड है। वो फोर ग्रुप्स क्या क्या है यहाँ पर हम ये देखिए, कृष्णा ग्रुप है हमारे पास, अगेन हमारे पास है नालामलाई ग्रुप, अगेन हमारे पास चेयर ग्रुप, ठीक है, अगेन हमारे पास है पापाग्नि ग्रुप, ओके, ये सब एक एक ग्रुप है, ठीक है। अब ये ग्रुप के अंदर कुछ फॉर्मेशंस आते हैं। अब ये फॉर्मेशन क्या है, अगर आपको याद हो हमने एक टॉपिक लिया था स्टाटिग्राफिक यूनिट, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ स्टाटिग्राफिक यूनिट के अंदर। तो आपका एक लिथो स्टाटिग्राफिक यूनिट था, उसके अंदर हमारे पास कुछ बेड्स थे, कुछ बेड्स मिलके एक मेंबर बनाते हैं। अब बेड का नंबर यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ पर्टिकुलर फाइव या फिर सिक्स बेड ही मिलकर एक मेंबर बना सकते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता नेचर में। ये मतलब इरेगुलरिटी देखने को मिलता है, मीन्स कहीं कभी कभी आपको देखने को मिला दो तीन बेड मिलकर भी एक मेंबर बना लेंगे, और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा 10-12 बेड मिलकर एक मेंबर बनाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और किस रीजन में ये सब चीज चल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने लिथोस्टैटिग्राफिक यूनिट जो हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बोलने का मतलब यही है कि हमारे पास एक सीक्वेंस था, अगर बात करते हो स्टैटिग्राफिक यूनिट का, तो हमारे पास था सुपर ग्रुप था, ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास था ग्रुप था,
ग्रुप के बाद हमारे पास था फॉर्मेशन था, ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन। अगेन हमारे पास था मेंबर था, उसका लास्ट में हमारे पास बेड एंड फ्लो था। अब फ्लो कब बोलते हैं, जब हम बात करते हैं इग्नियस रॉक का, मीन्स इग्नियस फ्लो होता है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोज, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, बट जब सेडिमेंट्री में वही चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम बोलेंगे बेड। मीन्स कुछ बेड मिलकर फिर बनाते हैं या फिर कुछ फ्लो मिलकर बनाते हैं क्या, कुछ मेंबर, एक मेंबर, ठीक है। अब कुछ मेंबर मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक मतलब कुछ फॉर्मेशन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, कुछ ग्रुप मिलकर यहाँ पर एक सुपर ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ वही चीज़ है, देखिए ये जो इंडिविजुअल एक एक फॉर्मेशन है, ठीक है, ये एक फॉर्मेशन है, ये एक फॉर्मेशन है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है फॉर्मेशन। इसी तरह ये भी कुछ एक एक फॉर्मेशन है, तो ये कुछ फॉर्मेशन मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो ये देखिए ये तीन फॉर्मेशन मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक, बट यहाँ पर ऐसा पार्टिकुलर नहीं है कि तीन ही फॉर्मेशन मिलकर एक ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पर टू भी हो सकता है, फाइव भी हो सकता है, सेवन भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, किस चीज़ का आप फॉर्मेशन देख रहे हो या फिर किस पर्टिकुलर रीजन में आप फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हो, सिचुएशन के ऊपर वो डिपेंड करेगा, ओके। बट जब हम बात करते हैं कृष्णा ग्रुप का, तो वहां पर आपको तीन ही फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, बेसिकली तीन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा मेजरली, बट ऐसा नहीं है कि तीन ही फॉर्मेशन में हमेशा से एक आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, कभी आपको दो फॉर्मेशन में भी ग्रुप देखने को मिलेगा, कभी आपको एट फॉर्मेशन में भी ग्रुप देखने को मिलेगा। मीन्स ये जो फॉर्मेशन का नंबर है जो कि एक ग्रुप बनाता है वो वेरी करने वाला है टाइम के साथ, और वेरी करेगा भी, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, सिचुएशन के ऊपर, किस रीजन में आप मतलब स्टडी कर रहे हो या फिर किस रीजन का आप स्टडी कर रहे हो, किस रीजन के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ नेचर में वेरी होने वाला है, बट यहाँ पर जो बेसिक चीज़ जानने वाला क्या था, ये जो कुछ फॉर्मेशन मिलके ग्रुप बना रहे, जो भी हमने मैंने आपको बताया, कुछ मेंबर मिलके फॉर्मेशन बनाते हैं, अब इसके अंदर भी कुछ मेंबर ऑब्वियसली हैं, ठीक है, तब वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस ये नहीं करते हैं, क्योंकि 12 के बेसिस पे हमें इसको या फिर बेसिक के बेसिस पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्मेशन मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं ऑब्वियसली, ये मतलब ये देखिए ये कुछ फॉर्मेशन मिले एक ग्रुप बनाए, ठीक है। अब कुछ ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, सुपर ग्रुप। तो जैसे हमारे पास कुछ ग्रुप है, ये कृष्णा ग्रुप है, अगेन हमारे पास है नालामाला ग्रुप, ठीक है, अगेन हमारे पास है चेयर ग्रुप, अगेन हमारे पास है पापाग्नी ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, एक सुपर ग्रुप, जिसको हम मतलब कंबाइनली बोल रहे हैं कुडप्पा सुपर ग्रुप, ओके। तो कुडप्पा सुपर ग्रुप यही है। तो अब वन बाई वन सक्सेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको आई होप पता चल गया होगा फॉर्मेशन क्या है और ग्रुप भी क्या है, और यही सब ये जो एक सीक्वेंस में अरेंज है, मींस ये देखिए सबसे नीचे जो इरला कोंडा है, इन कृष्णा ग्रुप, देन कोलम नाला, देन श्री साइलम। तो ये जो एक ऑर्डर में अरेंज है उसी तरह कुछ ये जो ये तो मतलब ये बात कर रहा था फॉर्मेशन का, ये अरेंज है, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेशन है इन नालामलाई ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेशन है इन चेयर ग्रुप, ठीक है, ताड़पत्री एंड पुली भेंडला, इसी तरह कुछ यहाँ पर भी फॉर्मेशन है। तो ये एक सीक्वेंस में अरेंज है, उसी तरह ये एक ग्रुप बना रहा है, और ये जो ग्रुप्स ये देखिए ये जो ग्रुप्स है ये भी एक सीक्वेंस में अरेंज है, तो इसी को ही कंबाइनली हम बोलते हैं सक्सेशन, क्योंकि सक्सेसिवली ये अरेंज है। तो आई होप अभी आपका वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, जो कि मैं आपको सस्पेंस में रखा था स्टार्टिंग में, कि सस्पेंस में क्यों रखा था, क्योंकि वहां पर बोलने से आपको समझ में नहीं आता, जब चीज आपको मतलब आंखों के सामने होता है, यहां पर ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा सक्सेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सक्सेसिवली एक ऑर्डर में ये अरेंज है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर इसी को हम बोले सक्सेशन, ओके। यहाँ पर मैं आपको सस्पेंस में रखा था सक्सेशन किसको बोलते हैं उसके ऊपर, तो आई होप अभी आपका वो क्लियर हो गया होगा। अब रहा स्टोमाटो लाइट, जो कि मैं आपको बोला था बताऊंगा, स्टोमाटो लाइट आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि एक माइक्रोफोसिल है, ओके। अब अगर हमने देखा था कुछ एक्सेप्शन केस आ रहा था, जैसे आपको भांपाले में लाइमस्टोन भी देखने को मिला था, स्टोमाटो लाइट भी देखने को मिल रहा था, ठीक है, अगेन हमारे पास था और एक चीज़ अनकन्फर्मिटी, तो यहाँ पर यही है, देखिए ये अनकन्फर्मिटी एक है। अब यहाँ पर अनकन्फर्मिटी क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, जो कि हमने स्टार्टिग्राफी में देखा था एक ग्रुप को, ये देखिए ये ग्रुप है कृष्णा, अगेन हमारे पास और एक ग्रुप है नाला मलाई, तो ये दोनों ग्रुप को मतलब डिवाइड कौन कर रहा है या फिर डिस्टिंग्विश कौन करा रहा है, ये अनकन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी क्या है, इरोजनल सर्फेस है जो कि ओल्डर और यंगर रॉक बेड के नीचे रहता है, ठीक है। अब इसको तो हमने इस तरह एक अरेंज में मतलब एक अरेंजमेंट में रखा, जिसे सबसे पहले आएगा कृष्णा, अगेन आएगा नाला मलाई, चेयर एंड लास्ट में हमारे पास पापाग्नि, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर देखते हैं पहले, और हमने एक चीज़ बोला था आर्कियन सीस्ट एंड नीस जो रहेगा इसका बेसमेंट रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूछने ही वाला है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, कुडप्पा जो सुपर ग्रुप है उसका बेसमेंट क्या है, आर्कियन सीस्ट एंड नीस, ठीक है। बट कुडप्पा का जो सक्सेशन मेन यही है, ठीक है, एक दो तीन एंड ये जो कृष्णा चार, और ये जो कुर्नूल है ये भी इसका सक्सेशन में नहीं आता, बट ये चीज़ आप क्यों याद रखते हो, क्योंकि इसका टॉप में क्या है वो भी पूछेगा कुर्नूल, एंड बेसमेंट क्या है इसका आर्कियन सीस्ट एंड नीस वो भी पूछने वाला है, यही मैं बता दिया आपको। अब जब बात करते हैं इसका सक्सेशन का, मीन्स ये जो हम सक्सेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक सक्सेसिवली ये अरेंज है। अब किस बेसिस पे हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है, तो इसको हमने इसका एज के बेसिस पे अरेंज किया है, ठीक है, एज के बेसिस पे सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है पापाग्नि, उसका जो उससे थोड़ा सा कम ओल्डेस्ट है वो है चेयर, क्योंकि लॉ ऑफ सुपर पोजिशन अगर आपको याद हो, या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी के अंदर हमने देखा था लॉ ऑफ सुपर पोजिशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो वहाँ पर हमने क्या बोला था, निकोल स्टैनो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, निकोल स्टैनो क्या बोला था, जो भी सेडिमेंटरी रॉक बेड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए ये एक रॉक बेड है, ये एक रॉक बेड है, टाइम के साथ ये डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है, बेसिन के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो रॉक बेड्स है सबसे नीचे जो रहेगा सबसे ओल्डर रहेगा,
सबसे ऊपर जो रहेगा उस मतलब वो रहेगा सबसे यंगर, और सक्सेसिवली यहाँ पर मतलब यंगर होते होते जाएंगे, मीन सबसे ओल्डेस्ट ये रहेगा, कम ओल्डेस्ट मीन इससे थोड़ा सा यंग ये रहेगा, अगेन इससे यंग ये रहेगा, तो ये सीक्वेंस चलने वाला है। ये किसने बताया था? निकोल स्टेनो ने, जब हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तो वहाँ पर हमने देखा था ये कुछ प्रिंसिपल है माने स्टाटिग्राफी का, यहाँ पर भी वही स्टाटिग्राफी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ सक्सेशन, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही चीज़ होता है, उन्होंने मतलब कभी पढ़ा ही नहीं प्रिंसिपल या फिर उसके लॉज, ओके लॉज या फिर प्रिंसिपल और जनरल चीज स्टाटिग्राफी का पढ़ाई नहीं बेसिक कंसेप्ट, तो इसीलिए वो सिर्फ सक्सेशन रट लेते हैं, फिर उन्हें बोरिंग लगता है। तो ठीक है, इसको इस तरह कुछ पढ़िए कि आपको बोरिंग ना लगे। तो ये पहले इसका मीनिंग समझना है कि इसको सक्सेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक ये मतलब स्पेसिफिक एक वे में अरेंज है, ठीक है, एक मैनर में अरेंज है। अब किस मैनर में ये अरेंज है? ये एज वाइज अरेंज है। अब एज वाइज क्यों अरेंज है? क्योंकि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन देखा था, वहाँ पर हमने बोला था निकोल स्टेनो एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपना मतलब एक प्रिंसिपल रखा था, वो उन्होंने बोला था जो नीचे बनेगा सबसे ओल्डेस्ट आएगा, ऑब्वियसली सबसे मतलब कुछ बना उसके ऊपर और एक बनेगा, इस तरह तो बनता है, जिससे पहले एक डिपोजिशन हो गया बेसिन के अंदर एक लेयर, लेकिन और एक लेयर बना तो इसी तो मतलब सबसे पहले तो कौन बना? ये बना, देन ये बना, तो ऑब्वियसली ये सबसे ओल्डेस्ट रहेगा और ऊपर वाला सबसे यंगेस्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी हम अरेंज कर रहे हैं, सबसे ऊपर जो है कृष्णा ये सबसे यंगेस्ट है, और सबसे नीचे जो है पापाग्नि ये सबसे ओल्डेस्ट है। तो एक बार मैं आपको ये जो टेबल है मतलब ये जो सेशन है अच्छे से आपको दिखा देता हूँ जूम आउट करके, उसका फिर हम वन बाई वन एक एक मतलब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी दिख रहा होगा ये जो सक्सेशन है, इसमें कुछ ग्रुप है, ग्रुप के साथ कुछ फॉर्मेशन है, जिसे हमारे पास सबसे टॉप में है कृष्णा ग्रुप, एगेन हमारे पास है नालामलाई चेयर एंड पापाग्नि, ठीक है। वन बाई वन ये सब चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट आपको एक साथ दिखाने का मीनिंग यही है कि आप समझिए इसी को ही हम बोलते हैं सक्सेशन, मतलब एक वे में वो अरेंज है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास है श्री साइलम, कोलम, नाला, इरला कोंडा, ये किसके अंदर है? कृष्णा के अंदर है। अगेन इसके बाद है नालामला, इसके अंदर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अगेन हमारे पास चेयर के अंदर ताड़पत्री, ठीक है, ताड़पत्री अगेन भांपल है। फिर हमारे पास है पापाग्नि के अंदर लास्ट में जो बचता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिला? भांपाले एंड गुलचेरू। और यहाँ पर जब भांपाले का बात आता है, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप अभी सक्सेशन आपको समझ में आ गया, तो आप सक्सेशन को लिख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ग्रुप के ऊपर, मीन्स ये जो हमारे पास कृष्णा ग्रुप है, अगेन हमारे पास नालामलाई चेयर ग्रुप, तो ये अरेंज किस वे में? सबसे नीचे जो ओल्डेस्ट है उसका यंगेस्ट, फिर यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट जो है ये है, और इसका बेसमेंट क्या है? आर्किया नीस एंड सीस्ट, और इसका जो टॉप वाला पार्ट है जो है कुर्नूल ग्रुप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर इसका ये जो चीज़ है मीटर, मीन्स ये इसका डेप्थ लिखा गया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था ये सक्सेशन का डेप्थ जो रहेगा 6 किलोमीटर है, ठीक है, या थिकनेस जो है 6 किलोमीटर है। तो इंडिविजुअल जो मतलब जो हमने देखा था कुडप्पा सुपर ग्रुप का, हमने बोला था कि 6 किलोमीटर, बट इंडिविजुअल का हमने नहीं बोला था। तो इंडिविजुअल का कितना रहेगा? जब बात करते हैं कृष्णा का, तो ये 600 मीटर रहेगा थिकनेस, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, तो अभी मैं जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन एक एक ग्रुप को, बट ये जो ग्रुप है आप ऐसा नहीं समझिएगा कि एक ही मतलब एक ही जगह पे ये इस तरह अरेंज है, ठीक है। ये जो दिख रहा है फॉर्मेशन एक जगह पे इस तरह अरेंज है, बट ये जो ग्रुप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, कोई यहाँ पर ग्रुप है, कोई यहाँ पर ग्रुप है, कोई यहाँ पर ग्रुप है, बट वो एक ही बेसिन में प्रेजेंट है, ठीक है। एक बेसिन में यहाँ पर कोई एक ग्रुप बना, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ रॉक बना, यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ रॉक बना, तो इसको कंबाइनली हम बोल रहे कुडप्पा सुपर ग्रुप। और ये जो इंडिविजुअल को हम एक बोल रहे ग्रुप, मीन्स इसका ये मतलब नहीं है कि ये वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इस वाइज में कि सबसे ऊपर में जो है कृष्णा रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ऊपर में कृष्णा ही है, ठीक है। ये हम मतलब एज वाइज अरेंज करके इसको लिखे हैं, ठीक है, इसका रूल ही है, क्योंकि मतलब स्टैटिग्राफी का जो रूल ही है सुपर पोजिशन एज वाइज ही लिखना है, ठीक है। हमेशा से ये जो ऑल्डर रहेगा उसको नीचे ही लिखना है और यंगेस्ट को ऊपर ही लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह लिखा गया, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि सबसे पहले आपका पापाग्नि रॉक है, ठीक है, यहाँ पर पापाग्नि रॉक बन गया पी, अगेन उसके बाद आपको यहाँ पर चेयर मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर नालामलाई मिल रहा है, उसके बाद आपको कृष्णा मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एक बेसिन के अंदर, ओके, बट इसको हम एज वाइज जैसे सबसे हाईएस्ट एज जिसका रहेगा उसको हमने नीचे लिखा, उसका जो उससे थोड़ा सा लेस एज रहेगा उसको हमने उसके ऊपर लिखा, इस तरह हमने इसको अरेंज किया। बट हाँ, ये जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर जो रॉक बेड है उसको हम बोले फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जो है इसका कहीं ना कहीं भट्टी मतलब इस तरह अरेंज है, ठीक है, एक मतलब इस तरह अरेंज है, बट ग्रुप कभी भी इस तरह अरेंज नहीं रहता। ग्रुप क्या रहता है? एज वाइज उसको हम लिखते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में देखने को मिलता है। तो लिखते हैं तो हमेशा से ही हम यंगेस्ट है, बट जब हम मतलब स्टडी करते हैं या फिर पढ़ने को ट्राई करते हैं तो वो हम नीचे से ही हमेशा से ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पापाग्नि ग्रुप के ऊपर, ठीक है। पापाग्नि ग्रुप क्या है? सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप है किसका? कुडप्पा सुपर ग्रुप का, ओके। पापाग्नि क्या है? एक ग्रुप है किसका? कुडप्पा सुपर ग्रुप का, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। पापाग्नि इज ए ग्रुप विच कम्स अंडर द कुडप्पा सुपर ग्रुप, कुडप्पा सुपर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप आता है हमारा पापाग्नि, ओके। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको अगर याद हो, हमने लिथोलॉजी में क्या क्या डिस्कस किया था? लिथोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर आपको दो टाइप के बेसिकली रॉक देखने को मिलेगा, एक रहेगा क्वार्साइट और एक रहेगा आपके पास सेल। आपको दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए,
ये देखिए, यहाँ पर हमने जो लिथोलॉजी डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वार्साइट और सेल, और इन केस ऑफ भांपाल एक्सेप्शन केस है, वहाँ पर आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था। उसका थिकनेस भी हमने देखा था 6 किलोमीटर, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बेस आपको देखने को मिलेगा क्वार्साइट देखने को मिलेगा, देखिए रिपीट होकर आ रहा है क्वार्साइट सेल, क्वार्साइट सेल। ये तो मैं बात कर रहा हूँ पापागनी का, बट डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का देखिए, यहाँ पर भी क्वार्साइट सेल, क्वार्साइट सेट, क्वार्साइट, मीन्स यहाँ पर एक रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इसका भी हमने देखा था जब हमने देखा था स्टाटिग्राफी, तो स्टाटिग्राफी में हमने क्या बोला था, इसी मतलब कुडप्पा सुपर ग्रुप का हमने जब स्टाटिग्राफी डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हमने एक टर्मिनोलॉजी लिया था हमने कि ग्रुप का जो मतलब बेस में आपको देखने को मिलेगा, मीन्स ग्रुप मतलब जो ग्रुप है उसका जो फॉर्मेशन है, बेस में जो फॉर्मेशन रहेगा उसके अंदर आपको कोर्सर सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा, बट ग्रेजुअली जब हम ऊपर आएंगे फाइनर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो क्वार्साइट है ऑब्वियसली कोर्सर है, दैट्स व्हाई तो आपको ये नीचे देखने को मिल रहा है, सेल जो है फाइनर, इसीलिए आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने यही चीज देखा था, ईच ग्रुप बिगेन्स विद द कोर्सर सेडिमेंट्स, ठीक है, कोर्सर सेडिमेंट्स के साथ स्टार्ट होता है और फाइनली वो फाइनर देखने को मिलता है, फाइनर ग्रेन सेडिमेंट्री देखने को मिलता है, उसका कभी कभी कार्बोनेट देखने को मिलता है। कार्बोनेट कब देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन के केस में, लाइमस्टोन कहाँ देखने को मिलेगा, भांपाले में, ओके। ये चीज हमने देखा था, मीन्स बिगन्स स्टार्ट होता है नीचे से कोर्सर के साथ, बट ग्रेजुअली वो फाइनर देखने को मिलता है। हर ग्रुप का बात कर रही है, मैं कोई एक ग्रुप का नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ग्रुप का नहीं, मतलब जितना भी ग्रुप आएंगे, कृष्णा, नालामलाई, चेयर, ठीक है, पापाग्नी, सब ग्रुप में नीचे जो रहेगा कोर्सर रहेगा, ऊपर में रहेगा फाइनर रहेगा। तो ऑब्वियसली कोर्सर जो रहता है क्वार्साइट रहता है और फाइनर जो रहता है सेल रहता है, एज कम्पेयर टू सेल क्वार्साइट इज कोर्सर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम कोर्सर को नीचे लिखेंगे, तो ये जनरल चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो पापाग्नी ग्रुप के अंदर दो फॉर्मेशन आते हैं, गुलचेरू फॉर्मेशन और भांपाले फॉर्मेशन, बट गुलचेरू में कौन सा रोग देखने को मिलेगा, क्वार्साइट, मीन्स नीचे जो रहेगा कोर्सर रहेगा। ऑब्वियसली ये बेसमेंट है पापाग्नी ग्रुप का जो फॉर्मेशन है, बेस फॉर्मेशन क्या है, गुलचेरू, तो नीचे ऑब्वियसली कोर्सर रहेगा, क्योंकि हमने मतलब जनरली स्टाटिग्राफी में ही देखा नीचे जो रहेगा कोर्सर रहेगा। कोर्सर कौन सा रोग रहेगा, ऑब्वियसली लिथोलॉजी में हमने देखा दो ही टाइप का बेसिकली रोग देखने को मिलेगा, क्वार्साइट और सेल। तो कोर्सर कौन है, क्वार्साइट, तो ऑब्वियसली गुलचेरू के साथ आप क्वार्साइट लिख लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने का बात नहीं है, समझना है, नीचे कोर्सर देखने को मिलेगा मीन्स सेल और क्वार्साइट में कोर्सर कौन रहेगा, क्वार्साइट ही रहेगा। अगेन उसके बाद आता है उसका जो मतलब ऊपर वाला फॉर्मेशन, तो पापाग्नी ग्रुप को हमने दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया, गुलचेरू जो अभी हमने देखा, और आगे आता है भांपाले। भांपाले अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपको स्टोमाटोलाइट भी देखने को मिलता है, ठीक है, बट बाकी जितना भी फॉर्मेशन है वहाँ पर कहीं भी आपको लाइट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फाइनर ग्रेन देखने को मिलेगा, मीन फाइनर सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा जो है सेल। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसी तरह रिपीटेटिव वे में आने वाला है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे ग्रुप तो वहाँ पर भी इसी तरह फॉर्मेशन आएंगे। बट यहाँ पर और एक एक्सेप्शन था जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, यहाँ पर आपको लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन बात करते हैं चेयर ग्रुप का, उससे थोड़ा सा जो है यंगेस्ट है, ठीक है, आज कंपेयर टू पापाग्नी। बट पापाग्नी का और एक चीज हमने नहीं देखा, उसका जो मतलब जो थिकनेस बोलेंगे तो ये कितना है, 1400 मीटर है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं चेयर ग्रुप का, तो हाँ चेयर ग्रुप के अंदर भी दो फॉर्मेशन है, नीचे वाला फॉर्मेशन है जो है पुली भेंडला। अब ये पुली भेंडला रीजन में वेल एक्सपोज हुआ, इसीलिए इसका नाम दिया गया पुली भेंडला। यहाँ पर उसी तरह नेम दिया गया रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसमें ओरी होने का बात नहीं है, रीजन के अकॉर्डिंग नेम दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर जो रॉक टाइप्स मिले उसके अकॉर्डिंग इसका नेमिंग दिया गया। उसी तरह यहाँ पर जो फॉर्मेशन का नीचे कोर्सर रहेगा, कोर्सर कौन रहेगा, क्वार्साइट। लेकिन ताड़पत्री और एक रीजन में देखने को मिला है उसी का फॉर्मेशन चेयर ग्रुप का, तो वो आपको सेल में देखने को मिला, मीन्स यहाँ पर जो फाइनर ग्रेन रहेगा, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेल, ओके। बात करते हैं नालामलाई ग्रुप का, नालामलाई ग्रुप का भी है देखिए, बट इसका जो थिकनेस था वो था 3300 मीटर, ओके, या फिर आप बोल सकते हो 3300 मीटर, जो आप बोल सको, जो आपको इजी लगे वही हिसाब से आपको याद रखना है। बात करते हैं नालामलाई का, नालामलाई भी एक ग्रुप है जिसका थिकनेस है 100 मीटर। अब यहाँ पर मैं सक्सेशन आपको बता रहा हूँ, इसका लास्ट में आपको बताने वाला हूँ किस तरह आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को अटेंड करना है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑब्वियसली 12th के बेसिस में आएगा ही क्वेश्चन। बात यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर भी इसको हमने दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया, नीचे वाला फॉर्मेशन है बायरन कोंडा, ऊपर वाला है कुंबुम। बायरन कोंडा रीजन में वेल एक्सपोज हुआ, इसलिए इसको नेमिंग दिया गया बायरन कोंडा, कुंबुम में एक्सपोज हुआ इसलिए नेमिंग दिया गया कुंबुम। बट यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी सेम यहाँ पर अप्लाई करना, नीचे जो रहेगा कोर्सर रहेगा, जनरल एक ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली क्वार्साइट जो है कोर्सर है, क्योंकि लिथोलॉजी में हमने देखा दो ही टाइप का मेनली रॉक देखने को मिल रहा है, क्वार्साइट एंड सेल। बट इन केस ऑफ भांपाले वहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइमस्टोन भी देखने को मिल रहा था टॉप में, जो कि पापाग्नी का टॉप में एक फॉर्मेशन था भांपाले, वहाँ पर लाइमस्टोन देखने को मिल रहा था, ठीक है। और कहीं कहीं आपको स्लेट भी देखने को मिलेगा, बट इस सेशन में हम स्लेट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे डीपली, ठीक है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। तो हाँ कुंभू में आपको सेल देखने को मिलेगा जो कि फाइनर है, जो कि टॉप फॉर्मेशन है नालामलाई का। ऑब्वियसली टॉप फॉर्मेशन है तो टॉप में आपको मतलब कोर्सर से फाइनर आते हुए देखने को मिलेगा, मीन्स नीचे कोर्सर रहेगा और थोड़ा फाइन फाइन होते हुए ऊपर आएगा। एक बात करते हैं कृष्णा ग्रुप का, जो जिसका मतलब थिकनेस का बात करें तो 600 मीटर है, और वहाँ पर जो वेल एक्सपोज रॉक देखने को मिले, उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ये रीजन में, मीन्स सबसे नीचे जो मतलब एज वाइज यहाँ पर भी लिखा गया है जो रीजन है वो है इर्लाकोंडा, कोलमनाला, श्रीशैलम। ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसी ट्रेंड में लिखना है, तो यहाँ पर ट्रेंड क्या है, नीचे जो रहेगा सबसे
क्या रहेगा नीचे जो सबसे रहेगा कोर्सर, तो कोर्सर क्या है क्वार्जाइट है, उसके थोड़ा सा फाइन जो रहेगा सेल रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर ये रिपीट होता है, मीन्स क्वार्जाइट अगेन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके यहाँ पर देखिए, जिसे एक ट्रेड याद रखना है, क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट, ओके इस तरह चल रहा है। देखिए क्वार्जाइट सेल क्वार्जाइट चल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एक क्वार्जाइट, ठीक है, आपको एक क्वार्जाइट दिख रहा है, उसके बाद सेल क्वार्जाइट अगेन सेल क्वार्जाइट सेल। तो हाँ ये तो था कंप्लीट सक्सेशन। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कम्प्लीटली हमने यहाँ पर डिस्कस किया सक्सेशन को, बट यहाँ पर रहा याद रखने वाला और एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने कुछ ग्रुप्स देखे थे, कृष्णा ग्रुप हमारे पास था, नाला मलाई था, लेकिन हमारे पास था चेयर ग्रुप एंड पापाग्नी ग्रुप भी आपने देखा, बट इन सब में से एक मतलब एक चीज़ इसमें कॉमन क्या है, जितने भी ग्रुप है सब आपको रिवर के एलोंग ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो भी रिवर्स है जैसे ठीक है रिवर्स के एलोंग ही आपको देखने को मिलेंगे, जो बेसिन है ये बेसिन के अंदर जैसे आप बोल रहे हो कुड़प्पा बेसिन है या फिर कुड़प्पा सुपर ग्रुप, उसी को ही आप बोल रहे हो, उसके अंदर कुछ आपको ग्रुप्स देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपको डिपोजिशन देखने को मिला इस तरीके से, ठीक है। अभी जो डिपोजिशन हुआ मैक्सिमम जो डिपोजिशन हुआ, जैसे हम बोल रहे कृष्णा ग्रुप, ठीक है, या फिर आप बोल रहे हो नालामलाई चेयर, ये सब जो ग्रुप हुआ वन बाई वन, वो रिवर के एलोंग ही हुआ, ठीक है, रिवर के साइड में देखने को मिला, ठीक है, जितने भी ग्रुप है। बट यहाँ पर और एक चीज़, यहाँ पर सब तो हमने बोला रिवर के एलोंग ही देखने को मिला, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एक ग्रुप है इन चारों में से जो कि आपको माउंटेन या फिर हिली रीजन में देखने को मिला, ठीक है, वो जो ग्रुप है हिली रीजन में उसका सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने को देखने को मिला। वो कौन सा ग्रुप है, जैसे कृष्णा, क्या कृष्णा है, कृष्णा नहीं है, कृष्णा रिवर के एलोंग ही देखने को मिलेगा, कृष्णा रिवर के, कृष्णा जो ग्रुप है उसका मतलब रिवर के नेम के ही अकॉर्डिंग रखा गया। अगेन है हमारे पास नालामलाई, हाँ ये हिल के पास में डिपॉजिट होने को देखने को मिला। अगेन जो चेयर है ये भी आपको देखने को मिला रिवर के एलोंग, पापाग्नि भी देखने को मिला रिवर के एलोंग। तो यहाँ पर याद कैसे रखना, जैसे चारों तो आपको याद क्या रखना है, चारों मेनली आपको देखने को मिला रिवर के अकॉर्डिंगली डिपॉजिट होने को देखने को मिला, ठीक है, रिवर के एलोंग ही डिपॉजिट हुआ जितना भी ग्रुप से, बट इनमें एक्सेप्शन क्या, एक हिल में डिपॉजिट है, हिल में कौन सा हो रहा है, नालामलाई भी है, नालामलाई तो अभी के लिए आपको याद हो जा रहा है कि हिली रीजन है, बट जब आप 5 डे के बाद देखोगे या फिर 6 डे के बाद ये चीज़ देखोगे तो आप भूल जाओगे कौन सा हिली रीजन में डिपॉजिट होता है, मीन्स आपको कन्फ्यूजन आएगा क्या कृष्णा जो हम बोले वो हिली रीजन में हुआ था या फिर ये चेयर जो था वो हिली रीजन में हुआ था या फिर पापाग्नि हिली रीजन में हुआ था या फिर नालामलाई, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे टाइम में आपको याद कैसे रखना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं हिल HILL, तो आपको देखना है कौन सा ग्रुप में डबल एल है, जो ग्रुप में डबल एल है वही हिली रीजन में, आपको आप मतलब समझ लीजिएगा, ये ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जैसे जो भी ग्रुप में आपको डबल एल देखने को मिला वहाँ पर आप जान लीजिएगा कि वो हिली रीजन में डिपॉजिट हुआ है, ना कि रिवर के एलोंग, ठीक है। तो क्या कृष्णा में डबल एल है कहीं पर भी देखने को मिलता है, बिल्कुल नहीं, तो ये रिवर में है। बात करें नालामलाई का, यहाँ पर डबल एल है, हाँ है, मीन्स ये हिल रीजन में देखने को मिला, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये कोई बुक में इस तरह का आपको नहीं लिखा गया है, मीन्स आपको याद कैसे रखना, यहाँ पर हिली रीजन में हुआ बोल के, हिल से डबल, यहाँ पर भी HILL आपको याद रखना, हिल का स्पेलिंग क्या HILL, जहाँ पर लास्ट का डबल एल देखने को मिला वही समझ लीजिएगा हिली रीजन में डिपॉजिट हुआ या फिर सेडिमेंटेशन हुआ है, उसी को ही हम बोल रहे हैं नालामलाई ग्रुप। ओके अब बात करते हैं जब चेयर ग्रुप का, यहाँ पर डबल एल है, बिल्कुल नहीं, पापाग्नि में भी डबल एल नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नालामलाई में ही आपको देखने को, मतलब नालामलाई का जो डिपॉजिट है या फिर जो ग्रुप है वो हिल के मतलब अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो था कंप्लीट सक्सेशन। अभी सक्सेशन को याद कैसे रखना, ठीक है, यहाँ पर दो वे रहता है सक्सेशन को याद रखने के लिए, मीन्स यहाँ तो इतना चीज़ हमने ये सब चीज़ देख लिया, यहाँ पर हमने देखा ओल्डेस्ट से यंगेस्ट तक, हमने देखा ओल्डेस्ट में हमारे पास हमने गुलचेरू से अप टू श्रीशैलम तक देखा कृष्णा में, ठीक है, यहाँ तक तो हमने सब कुछ डिटेल में देख लिया। और यहाँ पर जब बात करते थिकनेस का वो भी हमने देखा, बट हमने स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो हमने बोला था 6 किलोमीटर ठीक रहता है, तो क्या इन सबको अगर ऐड करते तो 6 किलोमीटर होता है, या देखिए 600 मीटर लिखिए 600 मीटर, यहाँ पर है नालामलाई जो है 1000 मीटर, अगेन हमारे पास है चेयर जो है 3300 मीटर, अगेन हमारे पास है पापाग्नि 1400 मीटर, ठीक है, इन सबको ऐड अगर करते हो आपको 6300 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, 6300 देखने को मिला, मीन्स हमने स्टार्टिंग में तो बोला था 6 किलोमीटर, तो 6300 कितना है 6.3 किलोमीटर, मीन्स जो 300 मीटर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नेचर है सब कुछ एक्जैक्टली नहीं होता, ठीक है, टाइम के साथ वहाँ पर वेदरिंग इरोजन भी चलने लगेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेरी करता है, बट हाँ एवरेज आप बोल सकते हो 6 किलोमीटर, और यहाँ पर आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई आपका रॉन्ग नहीं बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखा दिया अभी आपको डिफरेंस किस तरह आपको आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर कोई आपको ये रॉन्ग नहीं बताएगा, अगर एग्जाम में आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, बट यहाँ पर मेजर क्या याद रखना, ये कुछ चार हमारे पास जो चार नालामलाई
चेयर, पापाग्नि और सबसे जो यंगेस्ट है कृष्णा, इस ये चार ग्रुप है। इसके अंदर कुछ हमारे पास मतलब फॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये याद रखने का दो वे है, मीन्स स्टार्टिग्राफी को जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किस वे में याद रखते हैं कि सक्सेशन को रट लेते हैं, बाकी हो गया उनका बोरिंग इसीलिए लगने लगता है। बट यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से आपको बोला ये काम आपको नहीं करना, पहले आपको समझना है चीज़ें हो क्या रही है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, मीन्स लास्ट में आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दूंगा क्या क्या आपको लिखना है, किस तरह पिन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बट जब बात करते हैं स्पेशली सक्सेशन का, जो भी हमने देखा सक्सेशन, तो इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद मतलब देखिए दो ही हुए है इसको, मतलब कोई भी चीज़ मतलब आपको सक्सेस पाने का दो ही हुए है, या तो आप हार्डवर्क कीजिए या फिर स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। हार्डवर्क कीजिए या फिर स्मार्ट वर्क कीजिए, ओके। हार्डवर्क क्या बोलते हैं, जो आप मतलब हार्डवर्क करोगे, स्मार्ट वर्क मीन्स स्मार्टली हार्डवर्क करोगे। बट अगर हम क्या हो स्मार्टली हार्डवर्क करें, मीन्स मतलब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को दोनों को ही कंबाइन करके अगर याद रखें तो ऑब्वियसली हमें सक्सेस मिलेगा। मीन्स यहाँ पर सक्सेस का मीनिंग ये नहीं कि करियर का सक्सेस, मीन्स यहाँ पर याद कैसे रखना है, ठीक है। याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ, मीन्स आप या तो बार बार इसको मतलब प्रैक्टिस के दौरान याद रख सकते हो, या फिर कुछ आप ट्रिक के दौरान याद रख सकते हो, या फिर ट्रिक और प्रैक्टिस को अगर साथ में मिलाते हो तो ऑब्वियसली आपका बहुत ही अच्छा होगा। मीन्स इसको याद रखने का कुछ ट्रिक है, आप खुद से ही बना सकते हो, ठीक है, कोड वर्ड, ठीक है। आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं है मतलब जमता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, उसके ट्रिक के ऊपर भी और एक वीडियो हम ले लेंगे किस तरह सक्सेशन को याद रखना है, ओके। तो ऑब्वियसली आप ट्राई कीजिए सक्सेशन को याद रखने का, नहीं अगर होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम क्या है, अभी मतलब कैसे याद रखना है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए याद रखने का, नहीं याद रहता ट्रिक अगर आप बना सकते हो बनाइए। ट्रिक मीन्स कोड वर्ड, ठीक है। जैसे कृष्णा का क्या ले सकते हो, नालामलाई का एनए ले सकते हो, किन्ना हो गया, CH मतलब चेयर से कुछ भी ले सकते हो आप, इस वे में लेके आपको याद रखने को ट्राई कीजिए। अगर नहीं याद रहता तो हाँ मैं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको ट्रिक भी बना के दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सक्सेशन तक। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मीन्स यहाँ तक तो हमने मतलब अगर स्टार्टिग्राफी बोले तो हमारा 100% स्टार्टिग्राफी यहीं पर कंप्लीट हो गया कुडप्पा सुपर ग्रुप का। बट इसके बाद भी जब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में इतना लिखने से मार्क नहीं मिलेगा, और एक चीज़ हमको ऐड करना पड़ता है, मीन्स जो स्पेशली हम यहाँ पर जो ग्रुप्स देख रहे हैं, जैसे हमने बोला कृष्णा ग्रुप, अब कृष्णा ग्रुप तो हमने यहाँ पर सक्सेशन में इतना लिख दिया, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये जो इंडिविजुअल ग्रुप को, नालामलाई ग्रुप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम, चेयर ग्रुप को और ये पापाग्नि ग्रुप को, और ये बहुत ईजी है। अगर आपको सक्सेशन याद रह जाता है ग्रुप को एक्सप्लेन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे पापाग्नि ग्रुप को, बट पापाग्नि ग्रुप को एक्सप्लेन करने से पहले आप यहाँ पर देखिए, पापाग्नि ग्रुप को हमने दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया, भंपाले जो ऊपर में रहेगा, नीचे जो रहेगा गुलचेरू जो है वो किसके साथ मतलब उसका बेसमेंट क्या है, वो है आर्कियन सीस और नीस बेसमेंट है, ओके। यहाँ पर आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, यही को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है। तो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे वो भी देखते हैं, चलिए। तो देखिए किस तरह पापाग्नि ग्रुप को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो कुछ यहाँ पर बेसिक मतलब रॉकेट साइंस वगैरह नहीं, वही जो हमने सक्सेशन को देखा, सक्सेशन को ही हमें अपने मतलब अपने लैंग्वेज में लिखना है, ये सब चीज़ को आपको रटना नहीं है, अपने लैंग्वेज में लिखने को ट्राई कीजिए। तो पापाग्नि ग्रुप में अभी हमने देखा द रॉक ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सपोज इन द पापाग्नि रिवर वैली, ऑब्वियसली पापाग्नि रिवर वैली में एक्सपोज हुआ इसीलिए इसका नेमिंग हुआ पापाग्नि ग्रुप। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला यहाँ पर जो आपको फोर ग्रुप मिलेंगे सब क्या रहेंगे, रिवर के अलोंग ही रहेंगे, बट एक आपको देखने को मिलेगा हिली रीजन में जो कि नालामलाई है। आप याद कैसे रखना है वो ही पर्टिकुलर हिली रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि डबल एल में आपको ट्रिक ही बता दिया, ट्रिक तक भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बाकी का काम आप कर रहे हैं, आपको किस तरह इसको याद रखना है, किस तरह मेमोराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ देखिए जनरल चीज़ लिखा गया है, कुछ ज़्यादा मतलब डीप में नहीं लिखा गया, मीन्स वही सक्सेशन को आपको थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन कर लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है, ओन लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जो मैंने लिखा है ये सेंटेंस को आप अपने लैंग्वेज में भी और भी मतलब मीनिंग सेम होना चाहिए, बाकी आप अपने लैंग्वेज में और भी ईजी भी लिख सकते हो, ठीक है। द रॉक ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सपोज इन पापाग्नि रिवर वैली, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में। अगर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू टू फॉर्मेशन, ऑब्वियसली हमने उसको दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया था, नीचे वाला था गुलचेरू और ऊपर वाला था भंपाले, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली वो भी लिख सकते हो कि इसको हमने दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया और एक सेंटेंस आपका बन गया। अगेन और एक सेंटेंस है द लोअर फॉर्मेशन आर नेम्ड आज गुलचेरू क्वार्ट्ज़ाइट, ऑब्वियसली लोअर फॉर्मेशन को हमने क्या नेम दिया, गुलचेरू, मतलब लोअर जो फॉर्मेशन था गुलचेरू। बट यहाँ पर अगर रॉक टाइप्स क्या था, क्वार्ट्ज़ाइट था, क्योंकि नीचे कोर्सर देखने को मिलता है और हमें कुडप्पा ग्रुप में दो ही मन स्पेशल रॉक देखने को मिलते हैं, एक रहता है क्वार्ट्ज़ाइट और एक रहता है सेल। तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज़ाइट जो कोर्सर है तो नीचे वाला कौन है, गुलचेरू में कोर्सर देखने को मिलेगा, मीन्स वो क्वार्ट्ज़ाइट ही रहेगा, ठीक है। और ये किसके मतलब किसके थ्रू डिवाइड फ्रॉम आर्कियन बेसमेंट, और ये जो गुलचेरू है आर्कियन बेसमेंट से मतलब अलग है, किसके थ्रू, अनकन्फर्मिटी के थ्रू, ओके। और द अपर फॉर्मेशन नोन एज भंपाले, ठीक है, अपर फॉर्मेशन को हम भंपाले शेर बोल रहे हैं, और यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप यहाँ पर बोल सकते हो, वहाँ पर लाइमस्टोन भी देखने को मिलेगा, ठीक है।
बट मेनली क्वार्जाइट और सेली देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भामपाले में आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर और एक सेंटेंस भी आपको याद मतलब ऐड कर सकते हो, अगर आपको याद हो यहाँ पर पहली बार हमें स्ट्रोमाटोलाइट देखने को मिल रहा था, ठीक है, स्ट्रोमाटोलाइट का फॉसिल देखने को मिल रहा था, बट बाकी जितने थे ऑन फॉसिलिफेरस थे। तो ये था पापाग्नी ग्रुप का एक मतलब एक्सप्लेनेशन। अगर हम देखते हैं चेयर ग्रुप का, जो कि उससे थोड़ा सा यंगेस्ट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पापाग्नी, तो देखते हैं चेयर ग्रुप क्या है। चेयर ग्रुप को भी उसी तरह एक्सप्लेन करना है, कुछ ज्यादा यहाँ पर है नहीं, उसी तरह आपको देखना है पहले उसका सक्सेशन, उसी को एक्सप्लेन करना है। आप सक्सेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए चेयर ग्रुप का सक्सेशन। आप सक्सेशन में आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सक्सेशन अगर याद रखते हो तभी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, बट सक्सेशन को रटना नहीं है, समझ के याद रखना है, ठीक है। अब याद कैसे रखना है उसका ट्रिक आप खुद बनाओ, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको उसके ऊपर भी सेपरेट एक ट्रिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेयर ग्रुप में आपको क्या देखने को मिला है, ताड़पत्री फॉर्मेशन देखने को मिला है, पुली भेंडला फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, नीचे जो रहेगा क्वार्जाइट ऑब्वियसली, ऊपर जो रहेगा सेल, तो पुली भेंडला नीचे ऑब्वियसली वहाँ क्वार्जाइट रहेगा, ऊपर जो है सेल है क्योंकि ये फाइनर है, ताड़पत्री में सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। यही चीज आपको एक्सप्लेन करना है इन चेयर ग्रुप। तो देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं फिर से। ये है आपके पास चेयर ग्रुप, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है। देखिए द रॉक ऑफ दिस ग्रुप ऑकर इन द चेयर रिवर, ठीक है, ऑब्वियसली ये चेयर रिवर के पास ऑकर हुआ, एंड इन द अपस्ट्रीम एरियाज, ठीक है, अपस्ट्रीम एरियाज ऑफ पानेर रिवर अराउंड ताड़पत्री, ठीक है। ये जो चेयर ग्रुप हुआ कहाँ पर आपको वेल एक्सपोज देखने को मिला है, चेयर रिवर में देखने को मिला, एंड इन द अपस्ट्रीम एरिया ऑफ मीन्स पानेर एक रिवर है उसका अपस्ट्रीम एरिया में भी इस जो ग्रुप के आपको रॉक देखने को मिले, ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आपको ये चीज याद नहीं भी रहता तो मेन बेसिक क्या लिखना है, द रॉक ऑफ दिस ग्रुप मीन्स, दिस मीन्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चेयर ग्रुप को, तो द रॉक ऑफ चेयर ग्रुप ऑकर इन द चेयर रिवर, ठीक है, चेयर रिवर में ही दिख रहा है। यहाँ तक भी लिखते हो तो परफेक्ट है, कोई आपका मार्क काटने वाला नहीं। अगर यहाँ तक आपको याद नहीं रहता नहीं लिखने से चलेगा, बट अगर लिखते हो ये इट्स बेटर अप टू यू, आप कितना याद रह सकते हो, ठीक है। फर्दर इट इज सब डिवाइडेड इन टू टू फॉर्मेशन, ऑब्वियसली वही चीज हमें देखना है, टू फॉर्मेशन में हमने चेयर ग्रुप को डिवाइड किया, ओके। द लोअर फॉर्मेशन इज नोन एज पुली भेंडला क्वार्जाइट, ऑब्वियसली लोअर फॉर्मेशन था पुली भेंडला क्वार्जाइट था, एंड जो अपर फॉर्मेशन क्या था, ताड़पत्री सेल। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सप्लेन हमने किया क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमने सिर्फ वही चीज को थोड़ा सा एलाबरेट करने को ट्राई किया ऑन लैंग्वेज में। तो यही चीज आपको भी करना है, ठीक है, ज्यादा याद रखना नहीं है, सक्सेशन को याद रखना है, और मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ लास्ट में किस तरह आप रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में, या फिर किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो दो ग्रुप हमने देख लिया, अब नेक्स्ट देखते हैं नालामलाई ग्रुप, जो कि नालामलाई हिली रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं नालामलाई का, तो हाँ स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बोल रखा है कि ये हिली रीजन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, द रॉक ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सपोज इन द नालामलाई हिल, मीन्स नालामलाई एक हिल है, हिल में ही ये रॉक एक्सपोज हो मतलब हुआ या फिर एक्सपोज होते हुए देखने को मिला, उसी पे हम अच्छे से नालामलाई ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डबल एल है, जहाँ पर भी मतलब जब इन कुडप्पा, अब यहाँ पर ये सबके अंदर नहीं लगेगा, ठीक है, जहाँ डबल एल रहेगा वहाँ पर हिल मत समझिएगा। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूँ कुडप्पा का ट्रिक, मीन्स आपको तीन देखने को मिल रहे रिवर में और एक देखने को मिल रहा है हिल में। अब ये तो अगर दो दिन के लिए आप याद रखो तो हाँ आपको याद हो जाए नालामलाई आपको हिल रीजन में देखने को मिला, मीन टाइम, बट टाइम के साथ जब बहुत दिन के बाद आप फिर से रिकॉल करोगे तो आपको इजीली मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिली रीजन में, इसीलिए मैं आपको ट्रिक बताया, डबल एल जहाँ रहेगा यहाँ पर भी डबल एल है, इसीलिए आप यहाँ पर याद सकते हो नालामलाई जो है एक हिल है, और उसी के ऊपर नालामलाई जो उसका फॉर्मेशन से नालामलाई ग्रुप का वही वेल एक्सपोज हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये हमने स्टार्टिंग में ही कुछ टर्म्स लिए थे, अगर आपको याद हो वो यहाँ पर हमने एक मतलब क्रिसेंटिक शेप का बोला था कुडप्पा सुपर ग्रुप को, और उसका जो ईस्टर्न फ्लैंक था ना ये क्या था, टेक्टोनिकली डिस्टर्ब था, और ये जो वेस्टर्न फ्लैंक था ये डिस्टर्ब उतना नहीं था, ठीक है, ये स्टेबल था, ये अनस्टेबल था, मीन्स टेक्टोनिकली ये कहीं ना कहीं एक्टिव था। तो यहाँ पर बात हो रहा हिल का, मीन्स ये कहीं ना कहीं टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली ईस्टर्न पार्ट में ही आ रहा है नालामलाई, ठीक है। द होल सक्सेशन हैज बीन फोल्डेड, ठीक है, ये जो सक्सेशन है ये जो नालामलाई का ऑब्वियसली हिली रीजन में हिल इस तरह था, तो ये ऑब्वियसली फोल्डेड रहेगा ये सक्सेशन, इसीलिए यहाँ पर तो बोला गया ईस्टर्न पार्ट में कहीं ना कहीं आपको मतलब टेक्टोनिकली मतलब एक्टिव देखने को मिलेगा जो रॉक्स रहेंगे। तो हाँ इजीली आप ये भी याद रखते हो नालामलाई मीन्स हिल, हिल्स कैसे बनता है, ऑब्वियसली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनता है, मीन्स टेक्टोनिक मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कोलिजन होता है उसकी वजह से आपको हिल देखने को मिलता है, मीन्स कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है दोनों आके एक जगह पे कोलाइड होते हैं या फिर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको हिल देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हिल किसके वजह से देखने को मिला, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, मीन्स ये टेक्टोनिकली अनस्टेबल है, तो टेक्टोनिकली अनस्टेबल तो कौन पार्ट में रहेगा, ईस्टर्न पार्ट में रहेगा, ठीक है। द होल सक्सेशन हैज बीन फोल्डेड, ऑब्वियसली फोल्डेड है क्योंकि हिल है, हिल तो फोल्डेड ही रहेगा, तो ये चीज आपको इजीली यहाँ पर ये सेंटेंस भी लिख सकते हो हिल को देखकर, ओके। कुम्बुम सेल्स ऑक्यूपाई सिंक्लेनल ट्रो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, कुम्बुम यहाँ पर हम आपको अगर याद हो तो हमने इसको दो फॉर्मेशन में डिवाइड किया था, ठीक है,
अब वो दो फॉर्मेशन क्या क्या थे नालामलाई का, एक था आपके पास बैरनकोंडा और एक था कुंभम। बैरनकोंडा था जो था लोअर पार्ट में था जिसका क्वार्साइट रहता था जिसमें, और कुंभम का बात करते तो वो सेल था, ठीक है। तो हाँ कुंभम सेल जो अपर है, अपर फॉर्मेशन है किसका, नालामलाई का, ऑक्यूपाई सिंक्लाइनल ट्रो ऑफ फोलियड रॉक, ठीक है। यहाँ पर फोलियड रॉक बनते, इस तरह फोल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। मीन्स ट्रो किसको बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमने डिफाइन कर लिया है डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ फॉल्ट, तो इसको ही हम बोलते हैं ट्रो, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो आपको कुंभम कहाँ देखने को मिलेगा, कुंभम सेल्स ऑक्यूपाई सिंक्लाइनल ट्रो, ये सिंक्लाइन है और ये है एंटीक्लाइन, तो इसको हम बोलेंगे सिंक्लाइन इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो इसका ट्रो कहाँ, यहाँ पर आपको कुंभम सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। वो इसी के साथ यहाँ पर और एक जो मेन चीज है, लीड एंड कॉपर, जो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक एक मतलब मिनरल है, ठीक है। लीड एंड कॉपर फाउंड टू मिनरलाइज्ड इन दिस ग्रुप, तो ये ग्रुप में आपको इकोनॉमिकली क्या क्या मिल रहा है, लीड एंड कॉपर, तो इसीलिए तो हम स्टार्टिग्राफी स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें लीड मिला, कॉपर मिला, आप सभी को पता है कॉपर हमारा डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा यूजफुल होता है, या फिर लीड, ठीक है। लीड से आपका बैटरी वगैरह बनता है, कॉपर आपको सभी को पता है एक मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, इसकी कितना ज़्यादा यूज होता है, आप बात कर लीजिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से लेके पेंट इंडस्ट्री तक, ठीक है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए हम स्टडी करते हैं कि कौन जगह पे क्या हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हम इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बात हो रहा है स्टार्टिग्राफी का, मीन्स इसीलिए हम रॉक बेड को पढ़ते हैं कि कहाँ पर हमें कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलने वाला है क्या, उसी को हम देखते हैं, ठीक है। अगेन लास्ट में हमारे पास है कृष्णा ग्रुप, ठीक है, उसे ही कृष्णा ग्रुप का आप लिख सकते हो, वेल एक्सपोज अलोंग द कृष्णा रिवर, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस ऑब्वियसली यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, लाइक हमने जिसे ऐड किया था इन चेयर या फिर पापाग्नि, ठीक है। द कृष्णा ग्रुप आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, द कृष्णा ग्रुप सब डिवाइडेड इंटू थ्री फॉर्मेशन, आप सभी को पता है कृष्णा ग्रुप का तीन फॉर्मेशन है क्या क्या, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है कृष्णा ग्रुप, यहाँ पर आपको श्री साइलम देखने को मिलेगा, कोलम नाला इलाकोंडा, नीचे क्वार्साइट ऊपर सेल फिर क्वार्साइट, ठीक है, ये रिपीटेटिव वे में देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो रहेगा नीचे रहेगा इलाकोंडा, तो यहाँ पर आप सेंटेंस ऐड कर सकते हो, कृष्णा जो ग्रुप है वो तीन फॉर्मेशन में डिवाइडेड, ठीक है। वो तीन फॉर्मेशन क्या क्या है, इलाकोंडा जो नीचे लिख सकते हो पहले, कृष्णा ग्रुप इज डिवाइडेड इंटू थ्री फॉर्मेशन, ठीक है। उसका नेक्स्ट सेंटेंस लिख सकते हो, जो द लोअर मोस्ट फॉर्मेशन ऑफ कृष्णा ग्रुप इज इलाकोंडा क्वार्साइट, अगेन आप लिख सकते हो नेक्स्ट सेंटेंस में, द मिडिल मतलब मिडिल जो आपका फॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा कोलम नाला शेल, अगेन जो टॉप मोस्ट फॉर्मेशन रहेगा वो श्री साइलम, ठीक है, श्री साइलम क्वार्साइट, ये आप लिख सकते हो। तो ये था पूरा कंप्लीट, आप बोलोगे तो ये कंप्लीट पूरा ही है स्टार्टिग्राफी ऑफ कुड़प्पा सुपर ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लिखना है, तो हमने क्या क्या पहले एक्सप्लेन किया वो सब पहले आपको बताता हूँ। हमने देखा यहाँ पर नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पर नेम ही मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ नोमेनक्लेचर, कुड़प्पा सुपर ग्रुप के अंदर हमने नोमेनक्लेचर देखा, अगेन हमने देखा स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हमने लिथोलॉजी देखा, अगेन हमने क्या देखा सक्सेशन देखा, ठीक है, सक्सेशन देखा, और लास्ट में हमने यहाँ पर हमने स्टार्टिग्राफी देखा, ठीक है। और स्टार्टिग्राफी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, यहाँ पर हमने देखा सक्सेशंस वगैरह, और यहाँ पर हमने क्या देखा लास्ट में, ये जो मतलब सक्सेशन के अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप देखा और ग्रुप को ही हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज आपको क्या याद रखना है, मेन चीज यहाँ पर याद रखना है सक्सेशन, अगर आप सक्सेशन याद रख लेते हो तो ये चीज, तो ये नोमेनक्लेचर आपको अभी याद ही हो गया होगा कि ये नोमेनक्लेचर किस तरह पढ़ा, कि कुड़प्पा रीजन में वेल एक्सपोज था, तो यहाँ पर पिन पॉइंट क्या लिखना है, नेम आपको एक मतलब अपना नोट में हेडिंग देना है, नेम या फिर नोमेनक्लेचर वहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सिर्फ पिन पॉइंट लिखना है, इसका नेम कहाँ से आया, CUDDAPAH कुड़प्पा बेसिन से, ठीक है, जो कि AP में वेल एक्सपोज है, ये बस पिन पॉइंट लिखना है, बाकी तो आप अपना एग्जाम में ओन सेंटेंस लिख सकते हो। ये हो गया नेम के अंदर यही कंप्लीटली, और इसका एज सिर्फ यहाँ पर लिखना है आपको, एज जो है प्रोटेरो जो, ठीक है, काम खत्म नोमेनक्लेचर का। अब इसको आप एक्सटेंड करके अपने वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है, समझना है सिर्फ और लिखना अपने वर्ड में है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर में हम आपको क्या क्या याद रखना है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, स्ट्रक्चर में मतलब पिन पॉइंट क्या क्या आपको अपने नोट में लिखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या याद रखना है बताता हूँ। तो हेडिंग देना है आपके नोट में स्ट्रक्चर बोल के, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको अपना अच्छे से लिखना है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको एक पहले फिगर बनाना है, जो मैं आपको फिगर दिया था, ठीक है, फिगर आपको अगर याद हो मैंने स्टार्टिंग में इस टाइप का आपको एक फिगर दिया था, ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना है, मीन्स यहीं से आपने बहुत चीज एक्सप्लेन कर लिया, शेप क्या रहेगा प्रिसेंटिक, ओके, और ये जो कॉन्केव साइड किधर रहेगा ईस्टर्न साइड में, मतलब यहाँ पर और एक सेंटेंस लिख सकते हो, ईस्टर्न साइड में आपको कॉन्केव देखने को मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर और एक चीज़ आप लिख सकते हो, ये जो मतलब इसका जो
एक्सटेंशन है या फिर जो से मतलब लार्ज कितना एरिया में ये है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में है। ओके, स्क्वायर किलोमीटर में है इतना, मतलब एरिया में है ये चीज़ आप, मतलब पिन पॉइंट स्ट्रक्चर में यही सब पिन पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी आप अपना ओन सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, आपको लिखना है कि सेंटिक शेप का है, इसका एरिया एरियल एक्सटेंशन इतना ही है, बस पिन पॉइंट आपको अपने नोट में लिखना है, बाकी आप अपने से लिख सकते हो। और इसका जो मतलब कॉनकेव साइड जो रहेगा, कॉनकेव कहाँ रहेगा, ईस्ट के तरफ रहेगा, ये चीज़ आप लिख सकते हो। और यहाँ पर अगर और भी एक्सटेंडेंस एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कॉनवेक्स जो साइड रहेगा वो वेस्टर्न पार्ट में रहेगा। और यहाँ पर और एक चीज़ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा था कि जो इस पार्ट में रहता है ये टेक्टोनिकली, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट जो रहेगा वो टेक्टोनिकली अन डी मतलब अनडिस्टर्ब रहेगा। और जब बात करते हैं ईस्टर्न पार्ट का, तो ये यहाँ पर मैं उतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी वीडियो को, ऑब्वियसली वीडियो बहुत लेंदी हो गया तो जल्दी से एंड करने को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या रहेगा, ईस्टर्न पार्ट में जो टेक्टोनिकली मतलब अनडिस्टर्ब यहाँ पर बोले तो यहाँ पर डिस्टर्ब रहेगा, मीन्स टेक्टोनिक एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चीज़ आपको लिखना है, ठीक है, स्ट्रक्चर में यही चीज़ है, बाकी आप मतलब पिन पॉइंट लिख लेने से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं लिथोलॉजी का। लिथोलॉजी मीन्स यहाँ पर रॉक टाइप देखना, ये सब चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर सिर्फ आप लिख सकते हो, यहाँ पर आपको क्वार्साइट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको सेल देखने को मिलेगा। और सेल का ही मेटामॉर्फिज्म की वजह से, जो कि एक्सटर्नल पार्ट अनस्टेबल है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर स्लेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन सिर्फ लिखना है, जो आपको अभी मैंने दिखाया था भामपाले में, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन। और अगर आपको याद हो यहीं पर आपको स्टोमाटोलाइट भी देखने को मिलेगा, जो कि एक माइक्रोफॉसिल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है लिथोलॉजी। ठीक है, इतना ही आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी आप अपने ओन सेंटेंस में आपको लिखना है। ठीक है, रटना नहीं है, सक्सेशन को याद रख लीजिए, बाकी सब आपके लिए हो ही जाएगा, क्लियर है ऑब्वियसली। तो यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर लिथोलॉजी में आपका बेसमेंट क्या था, आर्कियन नीस एंड सीस था। ठीक है, आर्कियन नीस एंड सीस तक यहाँ था। एगन ऊपर में क्या था, मतलब आपका था कुर्नूल ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक हो गया लिथोलॉजी, बस इतना याद रखना है, बाकी आपको खुद लिखना है ऑन सेंटेंस में। लिथोलॉजी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जब स्टाटिग्राफी का मेन जो पार्ट है हमारा, हमने क्या क्या देखा, नोमेनक्लेचर देख लिया, स्ट्रक्चर देखिए, कितना शॉर्ट में ही हो जा रहा है। ठीक है, इतना याद रखने को नहीं पड़ेगा। और जब बात करते हैं स्टाटिग्राफी का, स्टाटिग्राफी आपको कुछ लिखना नहीं है, मीन्स स्टाटिग्राफी अगर आपको सक्सेशन याद रह जाता है, ठीक है, ये टेबल जो मैंने दिखाया था आपको, तो आप अपने से लिख सकते हो, मीन्स आप बोल सकते हो जो कुडप्पा सुपर ग्रुप है फोर ग्रुप में डिवाइड है। ठीक है, ये आप ग्रुप स्टाटिग्राफी में यहाँ पर लिख भी सकते हो कि सबसे पहला जो ग्रुप है कृष्णा नालामलाई, ठीक है, यहाँ पर आएगा चेयर, यहाँ पर पापागनी। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो जी कि आप फोर ग्रुप में डिवाइड है और ईच ग्रुप में भी कुछ रॉक है। ठीक है, ईच ग्रुप का जो रॉक रहेगा वो नीचे जो रहेगा आप लिख सकते हो, ऑब्वियसली आपने देखा सक्सेशन में नीचे जो रहेगा कोर्सर बेड रहेगा क्वार्जेट का, तो नीचे आप यहाँ पर लिख सकते हो नीचे जो रहेगा कोर्सर रहेगा, ग्राजुअली ऊपर वो फाइनल होते हुए आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप स्टार्टिग्राफी में भी लिख सकते हो। अब मेन बात आता है सक्सेशन को, सक्सेशन का आपको याद रखना है। ठीक है, सक्सेशन में हमने देखा चार चीज़, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कृष्णा, अगेन आपके पास है नालामलाई, यहाँ पर है चेयर, यहाँ पर है पापाग्नि। अब यहाँ पर आप मेन जो ये जो फॉर्मेशन है वो याद रखना, उसका ट्रिक आपको खुद बनाना, नहीं आता तो आप बोलिए कमेंट सेक्शन में, आपको बना के दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक स्पेशल क्या चीज़ क्या था, नालामलाई आपका हिली रीजन में देखने को मिल रहा था। जब आप एक्सप्लेन करोगे इंडिविजुअल जो भी ग्रुप को, तो कैसे एक्सप्लेन करना वो भी बताया, जैसे आप बात करते हो पापाग्नि ग्रुप का, तो पापाग्नि ग्रुप का आप बोल सकते हो ये सबसे ओल्डेस्ट, पहले बोल सकते हो कुडप्पा सुपर ग्रुप का सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप है। ठीक है, इस तरह आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वेल एक्सपोज इन पापाग्नि रिवर वैली। ठीक है, जो उसको हमने दो मतलब फॉर्मेशन में डिवाइड किया, अब ये सब चीज़ कब पता चलेगा, जब आप सक्सेशन याद रखेंगे। तो मेन यहाँ पर याद क्या रखना है, सक्सेशन, और बाकी मैं आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, तो ये था कंप्लीटली ऑल अबाउट कुडप्पा सुपर ग्रुप। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।